गुड इवनिंग दिनेश सिंह, पंकज कुमार, दिव्यांश, कार्तिके, सुजीत कुमार, रंजन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल हम MOSFET एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे थे, पूरा का पूरा जो डिस्कशन चल रहा था MOSFET एम्पलीफायर में चल रहा था हमारा डिस्कशन। आज हम पूरे देर से MOSFET एम्पलीफायर की बात करेंगे, BJT की बात नहीं करेंगे, सिर्फ MOSFET एम्पलीफायर का ही डिस्कशन करेंगे। जब हम BJT पढ़ा था, मैं नॉर्मल आपको बाइसिंग वगैरह जब पढ़ा था, तो मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किया था BJT का, आपको अगर आपको याद होगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NMOS इन्वर्टर, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS इन्वर्टर, ये लिखा। जब आप CMOS इन्वर्टर की बात करते हो, वहां पे भी आप PMOS NMOS सब की बात करोगे, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS इन्वर्टर लिख रहा हूं। ये V0 है, सोर्स ग्राउंडेड है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली VDD, ये RD और ये हमारे पास V इनपुट। ये फिगर अगर आप ध्यान देखोगे तो बेसिक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, द बेसिक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, दिस जैसे बेसिक एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इन्वर्टर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं बेसिक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, तो V0 की वैल्यू जो होगा आपके पास वो V इनपुट बार होगा, लो वैल्यू इनपुट के लिए आउटपुट आपका हाई होगा, हाई वैल्यू इनपुट के लिए आउटपुट लो होगा, ऐसा हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करना है कि इनपुट है या आउटपुट, इनपुट की वैल्यू अगर मैं बहुत ही स्मॉल प्रोवाइड कर दूं, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज, द वी नॉट दिस वन। इस फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये VGS है। इस फिगर में अगर मैं बोलूं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको दिख रहा है, तो पहला पॉइंट ये है कि सर इनपुट वोल्टेज ही VGS है, इनपुट वोल्टेज ही VGS है। सेकेंड जो है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, और सर VDS ही V0 है, तो जो वी आउट है या V0 है वही VDS, दो चीज लिखे हम लोग। दिस वन, जो आउटपुट है वो VDS है और जो इनपुट है आपके पास वो VGS। देखो जरा ध्यान से, अब सोचो अगर मैं इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर जीरो दे दूं, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू जीरो। अब इनपुट वोल्टेज अगर मैं जीरो दे दिया, इनपुट वोल्टेज जीरो दे दिया, तो भैया तो इनपुट वोल्टेज जैसे जीरो हुआ तो VGS जीरो हो गया। अगर मैं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं इफ इनपुट इक्वल टू जीरो, VGS इक्वल टू जीरो, और VGS अगर जीरो हो गया तो VGS तो लेस देन हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसका मतलब है कि ये तो कट ऑफ में आ गया, द कट ऑफ रीजन। जैसे BJT में होता था आपके पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VB से कम होना कट ऑफ रीजन, तो ड्रेन करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर। और अगर ड्रेन करंट की वैल्यू अगर 0 एम्पियर आ गया, तो VDD इक्वल टू क्या है, VDD इक्वल टू है IDRD प्लस V0 है, दिस वन वी आउट या वी आउट वी नॉट। ID की वैल्यू जीरो है तो वी आउट की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी आउट या वी नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, इज द सप्लाई वोल्टेज VDD। ये तो जैसे मैं बात करना स्टार्ट किया, तो वी नॉट की वैल्यू VDD हो जाएगा, इनपुट इक्वल टू जीरो, कट ऑफ रीजन है, क्या हो गया कट ऑफ रीजन, क्योंकि इनपुट अगर आप दे नहीं रहे आपके पास जीरो दे दे रहे हो, तो थ्रेशोल्ड से तो कम हो ही गया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट आप तो जीरो दे दे रहे, ये वैसे ही हो गया जैसे इनपुट वोल्टेज VB से कम होता था, तो हम बोलते थे इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया, करंट विल बी 0 एम्पियर, बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट 0, सब बातें होती थी कट ऑफ की, बात वही वैसी है। इसका मतलब अगर आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट की जो वैल्यू है हमारे पास ये VDD हो गया, आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू VDD हो गया। ऐसा करके फिगर
ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये कट ऑफ हो गया आपके पास, दिस वन, ये हमारे पास जो रीजन है वो कट ऑफ, करेंट की वैल्यू जीरो। अब इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट ही वीजीएस इस फिगर में, अब इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय के बाद इनपुट वीजीएस से ज्यादा हो जाएगा। इनपुट की वैल्यू आपके पास हम बढ़ा लो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा कर लो। अगर इनपुट वैल्यू की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर ज्यादा हो गया, मान लेते कि इनपुट की वैल्यू VTN से ज्यादा हो गया, सर इनपुट की वैल्यू इनपुट ही VGS है, लिख चुका हूं मैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। जैसे इनपुट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा आती है आपके पास, इनपुट की वैल्यू जैसे ही थ्रेशोल्ड से ज्यादा आएगा तो VGS की वैल्यू अपने आप ही थ्रेशोल्ड से ज्यादा आएगा, VTN या VTS जो लिखना है, क्योंकि VGS ही इनपुट है। इसका मतलब है कि अब ID की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, तो ID नॉट इक्वल टू जीरो एम्पियर, ID नॉट इक्वल टू जीरो एम्पियर, इसका मतलब ID नॉट इक्वल टू जीरो एम्पियर, तो अब होगा ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन रीजन, ये मतलब होता है यार, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, देखिए ध्यान से। अब जैसे जैसे आप इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, अब तो आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा कर ही दिया, अब इनपुट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, ये अब हमको यह पता है कि VDS की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTN जो होता है आपके पास, दैट मीन्स द ओवरड्राइव वोल्टेज, ये कौन सा रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन। और अगर VDS की वैल्यू अगर लेस देन है आपके पास VGS माइनस VTN, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपके पास हो गया ट्रायोड रीजन। अगर इसको मैं चेंज करके लिखूं तो VGS तो V इनपुट, चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं आपके पास कि जो VDS आपके पास ट्रायोड वाला जो VDS है उसकी वैल्यू लेस देन V इनपुट माइनस VTN हो, ये। और अगर इनपुट की VDS आपके पास ये V इनपुट माइनस VTN, और इस वाली जगह पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि VDS की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू V इनपुट माइनस VTN। अब बोलो इनपुट की वैल्यू तो ज्यादा हाई, इनपुट की वैल्यू आपके पास ज्यादा हाई, आपके पास 300 वोल्टेज है तभी तो करंट आपके पास एग्जिस्ट करेगा, ये देखिए। अब इनपुट की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे तो VDS की जो वैल्यू आपके पास वो कम होते जाएगा, इनपुट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, इनपुट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, क्योंकि जो ओवरड्राइव वोल्टेज है वो कम होते जाएगा। क्यों ओवरड्राइव वोल्टेज कम होता जाएगा, क्योंकि VGS माइनस VTN ओवरड्राइव वोल्टेज होता है, बट इनपुट की वैल्यू जो है वो VGS के बराबर है, तो ओवरड्राइव वोल्टेज VGS माइनस VTN है, इनपुट बढ़ाते जाओगे ओवरड्राइव वोल्टेज कम होते जाएगा, तो ओवरड्राइव वोल्टेज की वैल्यू रेगुलर बेसिस पे कम होते जाएगा, ओवरड्राइव वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो रेगुलर बेसिस पे कम होते जाएगा, ये। तो इतना हमको क्लियर रहना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि ओवरड्राइव वोल्टेज की वैल्यू कम होते जाएगी, तो अगर VDS की वैल्यू अगर ओवरड्राइव वोल्टेज से ज्यादा है, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू अगर ओवरड्राइव वोल्टेज से ज्यादा होगा, दैट मीन्स द सैचुरेशन रीजन होगा। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आपके पास कि ये पहला तो कट ऑफ हो गया, अब आपको ये देखना है कि इसके बाद सैचुरेशन होगा कि ट्रायोड रीजन होगा। कट ऑफ वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनपुट की वैल्यू कम थी आपके पास, करंट जीरो फ्लो रहा था, कोई बात ही नहीं थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको यह क्लियर है कि अब कट ऑफ के बाद सैचुरेशन होगा कि ट्रायोड रीजन होगा, कट ऑफ के बाद वो ट्रायोड से सैचुरेशन में जाएगा कि सैचुरेशन से ट्रायोड में जाएगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन कहां से जाएगा। हमको ये यहां पर इंटरेस्टिंग जो इस जगह पे है वो ये भी है कि वी नॉट की वैल्यू VDS है, ये इंटरेस्टिंग है, और इनपुट की जो वैल्यू है वो VGS है इस फिगर में। देखो ध्यान से फिगर में अगर आप देखोगे तो इनपुट की वैल्यू आपके पास जो है वो VGS है, ये। अब अगर दो कंडीशन लिखी है आपके पास कि इनपुट की वैल्यू को अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे आपके पास, तो ओवरड्राइव वोल्टेज की जो वैल्यू इज द ओवरड्राइव वोल्टेज, ओवरड्राइव वोल्टेज की वैल्यू होता है VGS माइनस VTN, तो ओवरड्राइव वोल्टेज की वैल्यू तो इनपुट पर डिपेंडेंट हो गया कि V इनपुट माइनस VTN आ गया।
इतना हमारे पास होगा। क्या लगता है आपके पास कि अब क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से, दो वैल्यू में से कि कट ऑफ से बाहर जब निकलेगा तो क्या होगा? ट्रायोड में होना चाहिए कि सेचुरेशन में होना चाहिए? ओवरड्राइव की जो वैल्यू होगी आपके पास, जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ओवरड्राइव की जो वैल्यू होगी वो बढ़ते जाएगी। ओवरड्राइव की वैल्यू क्या होगी? बढ़ते जाएगी। ये यहां से अब देखना ध्यान से, क्या वो आपके पास कि ये जो वैल्यू आपके पास है वीडीएस, वीडीएस के लिए कितनी भी हो, अगर वीडीएस की वैल्यू वीजीएस माइनस वीटीएन से अगर कम हो गया, वीजीएस माइनस वीटीएन से कम हो गया, वीडीएस की वैल्यू वीडीडी तो बहुत ज्यादा ही आपके पास, तो ये ओवर ड्राइव वोल्टेज वीजीएस माइनस वीटीएन, ये द ओवर ड्राइव वोल्टेज, ये इस जगह पे यहां पे देख सकते हो आपके पास कि ये पूरा का पूरा वीडीएस है। ये इस जगह पे वीडीएस की वैल्यू ओवर ड्राइव वोल्टेज से कम, ओवर ड्राइव वोल्टेज से कम आपके पास। ये जैसे वीजीएस माइनस वीटीएन से आपके पास वैल्यू कम होगी, आपके पास इस साइड आपके पास ये रीजन आ जाएगा और इससे ऊपर होगा आपके पास तो इस साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखा सैचुरेशन रीजन, बट उस केस में वो जरूरी है कि आपके पास इनपुट की वैल्यू क्या है। तो इनपुट की वैल्यू हम लिख दिया कि इनपुट की वैल्यू जो होगी आपके पास वो तो वीटीएन से ज्यादा थी, ठीक है। अगर इनपुट की वैल्यू अगर मैं बोल दे रहा हूं कि देखो यहां पे इस जगह पे इनपुट की वैल्यू की मैं प्रोवाइड कर दिया कि वीजीएस से ज्यादा हो गया, अब यहां पे इस जगह पे अगर मैं देख रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज मेरे को लिखना है और इस जगह पे अगर मेरे को इनपुट की वैल्यू अगर मेरे को लिखना है कि इनपुट की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं आपके पास, कितना मैक्सिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी आउट की वैल्यू वीडीएस है, वीडीएस की वैल्यू हम लिख लिया आपके पास वीडीडी माइनस आईडी इंटू आरडी,
आरडी की वैल्यू नहीं लगाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्या सोच रहा हूँ मैं, बात करने के लिए ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, पॉइंट पे अपन कंक्लूड कर रहे हैं, क्या पॉइंट मेरे को रखना है करके। एक्स्ट्रा बात करने का ट्राई कर रहा था, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें रखी जाए कुछ। वी आउट की वैल्यू हम वीडीएस की बात किए, वी इनपुट की वैल्यू वीजीएस की बात कर दी है। स्टोरी पे जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, स्टोरी पे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टोरी पे। जैसे मैं बोला कि आईडी करेंट की जो वैल्यू है आपके पास, आईडी करेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमको पता है कि आईडी करेंट की जो वैल्यू होती है आपके पास, चाहे वो ट्राइवोड रीजन हो, चाहे वो सेचुरेशन रीजन हो, द मी यू एन सी यू एक्स डब्ल्यू बाई टू एल, द ट्वाइस ऑफ वी जी एस माइनस वी टी एन, ये वी डी एस ए माइनस वी डी एस का होल स्क्वायर, दिस वन। तो ये आपके पास हो गया के एन बाई टू ट्वाइस ऑफ इज द वी इनपुट माइनस वी टी एन, ये वी डी एस माइनस वी डी एस होल स्क्वायर, दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईडी करंट जो होगा आपके पास ट्रायोड रीजन में, इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज, ये करंट बढ़ते जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि वी डी एस की वैल्यू क्या है, तो VDS की वैल्यू है VDD माइनस ID इंटू RD। चलो स्टोरी चेंज किया जी, तो इनपुट वोल्टेज के बढ़ने के साथ ही ड्रेन करंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, और VDS की जो वैल्यू होगी आपके पास वो ID इंटू RD का ड्रॉप बढ़ेगा, तो VDS की वैल्यू कंटिन्यूसली कम होगी, दिस इज द प्रोसेस। ये लिखिए आप। चलो स्टोरी में जाते फिर हम लोग, मैं सोच रहा था कि मैथ्स कुछ परफेक्ट जमाते हैं। यहां देखिए आपके पास इस जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ते जा रहा है आपके पास, अगर मैं इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ तो हमारा जैसे जैसे वीजीएस की वैल्यू होगी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज ही वीजीएस है, इनपुट वोल्टेज क्या है आपके पास वीजीएस है, तो वैल्यू बढ़ते जाएगी। अब होता है कि आपके पास की जैसे जैसे आप गेट, हमको वैसे ही पता है कि हमारा जो मॉस्फेट होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस,
जैसे आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं बीजेटी में बेस करंट की वैल्यू बढ़ने जाती है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हैं तो वीजीएस ही है, तो वीजीएस की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपके पास ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ रही तो वीडीएस क्या है हमारे पास, ये वीडीएस, वीडीएस की जो वैल्यू है वो वीडीडी है, तो सप्लाई वोल्टेज है, आरडी फिक्स है, सप्लाई वोल्टेज फिक्स, आरडी फिक्स है, ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, इसका मतलब वीडीएस की वैल्यू कम होगी। अगर वीडीएस कम हो रहा तो यही तो वी आउट है, यही तो क्या है, वी आउट इक्वल टू वीडीएस है, इसका मतलब है कि आउट वोल्टेज कंटिन्यूअसली कम होते जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो आपके पास, तो आउट वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बड़ी स्मॉल थी, तो शुरू में तो आपके पास कट ऑफ ही था। अब हमको पता है कि वीडीएस की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, वीडीएस की वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब वीडीएस की वैल्यू अगर कंटिन्यूअसली कम होगी तो आपको पता है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि यार वीडीएस की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, वीडीएस की वैल्यू का कम होना मतलब क्या होता है पता है आपके पास, ये वीजीएस माइनस वीटीएन है ये, और वीडीएस की वैल्यू का कम होना इसका मतलब है कि वीडीएस की वैल्यू अगर कम होते जा रही है तो जो एंट्री होगी आपके पास वो सैचुरेशन से ट्रायोड रीजन में होगा। ये जब वीडीएस की वैल्यू को आप कम करते जाते हो कंटिन्यूअसली, वीडीएस की वैल्यू, वीडीएस की वैल्यू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को, तो आपका हमेशा सैचुरेशन रीजन से ट्रायोड रीजन में होगा। ये एक समय ऐसा होगा आपके पास कि आईडी की वैल्यू वीडीडी बाय आरडी के बराबर हो गया, जो ड्रेन करंट की वैल्यू होगा आपके पास उसकी वैल्यू अगर वीडीडी बाय आरडी के बराबर हो गया तो फिर वीडीएस की वैल्यू क्या होगी, तो वीडीएस की जो वैल्यू होगा आपके पास वो वीडीडी माइनस ये वीडीडी बाय आरडी था इनटू आरडी, तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। दिस वन ये तो ओवरऑल स्टोरी क्या है, मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपके पास अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बड़ी स्मॉल है तो तब तो कट ऑफ होगा, करंट की वैल्यू जीरो होगी, ड्रेन करंट की वैल्यू। उसके बाद हमने ट्रायोड रीजन का इक्वेशन लिखे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायोड रीजन का इक्वेशन लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं आईडी के सैचुरेशन की बात कर रहा हूं कि आईडी के सैचुरेशन में क्या होता है, तो यह हो गया आपके पास के एन बाय टू वीजीएस माइनस वीटीएन का होल स्क्वायर, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की बात नहीं कर रहा हूं। ये इसका मतलब है कि सैचुरेशन जो रीजन आपके पास जो करंट है आईडी सैचुरेशन की जो वैल्यू होगी ये के एन बाई टू वीजीएस की वैल्यू वी इनपुट है वी इनपुट माइनस वीटीएन का होल स्क्वायर दिस वन। तो आईडी की जो वैल्यू आपके पास ये प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज दोनों ही जगह क्योंकि वीजीएस पे डिपेंडेंट है। तो जैसे आपके पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके पास तो वीजीएस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वीजीएस बढ़ेगा आपके पास तो फिर करंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और जो वीडीएस का ड्रॉप होगा वो कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा बिकॉज वीडीएस का ड्रॉप फिक्स है, इज द वीडीडी सप्लाई वोल्टेज माइनस आईडी इनटू आरडी। तो ये हमारा बेसिक सा स्टोरी है कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओ ड्रेन करंट की वैल्यू आपके बढ़ते जाएगी, वीडीएस कम होगा, वीडीएस ही आउटपुट इसलिए आउटपुट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब अगर मैं बोलूं कि वीडीएस की वैल्यू कम हो रही है तो आप ट्रायोड से सैचुरेशन में जाओगे कि सैचुरेशन से ट्रायोड रीजन में जाओगे, अगर वीडीएस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है हम ट्रायोड से सैचुरेशन में जाते हैं और अगर वीडीएस डिक्रीज हो रहा है तो सैचुरेशन से ट्रायोड में जाते हैं। तो वीडीएस के डिक्रीज होने का क्या मतलब है, वीडीएस अगर किसी जगह पे डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि जो मूवमेंट होगा आपके पास वो कहां से कहां होगा, सेचुरेशन टू ट्रायोड, और अगर वीडीएस किसी जगह पे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आप कहां से कहां जाओगे, ट्रायोड टू सेचुरेशन। ये दिस वन ये नोट कर लेंगे आप, इधर वीडीएस का कम और ज्यादा होना, वीडीएस के कम या ज्यादा होने का ये वैल्यू लिखा हुआ होगा दिस वन, कितना क्लियर रहना चाहिए हमको। तो वीडीएस की वैल्यू जो थी आपके पास कम हो रही है क्योंकि वीडीएस जो था वो वीडीडी माइनस आईडी आरडी था, और अगर ऐसा है, ऐसा अगर है आपके पास तो वीडीएस की वैल्यू आपके पास कम हो रही तो हम सैचुरेशन से ट्रायोड रीजन में एंट्री मारेंगे। इसका था पहले सैचुरेशन रीजन होगा और सैचुरेशन रीजन के बाद आपके पास ट्रायोड रीजन स्टार्ट होगा, दिस वन इज द प्रोसेस। इसका था कट ऑफ के बाद जो हमारा रीजन स्टार्ट होगा वो सैचुरेशन होगा देन ट्रायोड होगा क्योंकि वीडीसी की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, वीडीसी की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है कम, और अगर आईडी की वैल्यू यहां तक पहुंच गया सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय आईडी तब तो वीडीएस जीरो हो जाएगी, जगह पहुंच जाओगे तो सिंपल। तो ये दो पॉइंट नोट करेंगे अपन, ये कैमरा यहां पर रख इस जगह। तो हमारा जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक था एनमॉस इन्वर्टर का वो कट ऑफ से स्टार्ट हुआ फॉर द स्मॉल वैल्यू, उसके बाद जैसे हम बात किए आगे की वैल्यू की बात की कि कट ऑफ के बाद क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे ही इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया तो चैनल तो बन चुका था, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब बात यह थी कि सैचुरेशन और ट्रायोड दोनों में करंट फ्लो होता है, लेकिन उस समय वीडीएस की वैल्यू क्या थी, तो वीडीएस की वैल्यू वी आउट के बराबर था,
वीडीएस के लिए वी आउट के बराबर था, फिर वीडीएस की वैल्यू हम निकाल लिए कि भाई वीडीएस जो है वो केवीएल से निकाल लिए कि वीडीएस की जो वैल्यू होगी वो ड्रॉप होगा, दिस इज द रिजल्ट। अब आईडी की वैल्यू था आपके पास, तो आईडी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, आईडी की वैल्यू जितनी स्मॉल रहेगी आपके पास ये ड्रॉप ही स्मॉल रहेगा और वीडीएस की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे आईडी बढ़ता जाएगा ड्रॉप बढ़ता जाएगा और ये डिफरेंस है तो वीडीएस कम होते जाएगा, तो वीडीएस ज्यादा से कम होना चालू होगा। वीडीएस क्या होगा? ज्यादा से कम होना चालू होगा, और ज्यादा से कम हो रहा तो सेचुरेशन से फिर ट्रायल डिजन एंट्री मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे अगर हम बोल रहे हैं आपके पास कि जैसे हम जैसे ही एंट्री मारे आपके पास वीटीएन से ज्यादा हुआ और वीडीएस की वैल्यू ज्यादा थी तो फिर ये सेचुरेशन स्टार्ट होगा और जैसे जैसे करेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वीडीएस की वैल्यू कम होगी। एक जगह आएगा आपके पास जहां पे आउट वोल्टेज की जो वैल्यू आपके पास ये जिसको वीडीएस बोल रही है ये वीजीएस माइनस वीटीएन है, इससे जैसे ही कम होगा मतलब ये रीजन है आपके पास इतने से लेके इतने रीजन तक ये एज ऑफ सेचुरेशन है इस जगह पे, ये एज ऑफ सेचुरेशन जिसको आप लीनियर बोलते हो क्योंकि एम्पलीफायर के समान बिहेव करता है एक मॉस्फेट, तो यहां से लेके यहां तक सेचुरेशन रीजन है। इससे जैसे ही कम हुआ इस वाले पॉइंट में क्या हुआ, इस वाले पॉइंट में वीडीएस की वैल्यू ओवरड्राइव वोल्टेज से भी कम, इस वाले पॉइंट में ये वीजीएस की वैल्यू। अब इनपुट की वैल्यू आप क्या प्रोवाइड कर रही, तो इनपुट आप जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे उसके बाद इस जगह पे ट्रायोड रीजन होगा आपके पास और इनपुट की वैल्यू हम प्रोवाइड कर दोगे तो आप देख सकते हो कि आउटपुट की वैल्यू आप कितना प्रोवाइड करोगे तो वो वीजीएस माइनस वीटीएन से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे वीडीएस की जो वैल्यू है वो लेस देन ओवरड्राइव वोल्टेज दिस वन, ये प्रिय हमको क्लियर होना चाहिए ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कि कहां से कहां कहां वर्क कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है। जस्ट जब आप सीमॉस इन्वर्टर पढ़ोगे तो आप एनमॉस और पीमॉस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे, सीमॉस का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होता है जो सीमॉस टॉपिक होता है वहां पर, तो ये हमको क्लियर रहना चाहिए, बेसिक हमको आइडिया क्लियर रहना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैथमेटिकली कुछ अपन इंप्लीमेंट करें इस पर्टिकुलर वैल्यू वाइज बात करें तो ठीक है, इतनी बात किया, मैं स्टोरी की बात कर लिया। फिर ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनमॉस इन्वर्टर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें हो क्या रहा है, स्मॉल वैल्यू के लिए आउटपुट ज्यादा है और ज्यादा इनपुट के लिए आउटपुट है, तो ये आप डिजिटल लॉजिक में आप यूज करते हो इस वाले सर्किटरी को। डिजिटल लॉजिक में जब भी आपको यूज करना होता है तो आप हमेशा चाहे ऑर गेट बनाना हो, चाहे नैंड गेट बनाना हो, चाहे आपके पास एंड गेट बनाना हो, एक एनमॉस इन्वर्टर आपको हमेशा यूज होते हुए दिखेगा एक डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल लॉजिक फैमिली में। और आप सीमॉस भी यूज करते हैं, सीमॉस इंप्लीमेंटेशन तो आपके सिलेबस में भी डिजिटल लॉजिक में कि आपको डिफरेंट लॉजिक फॉर्म करना है, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर आप हाई इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट लो मिलेगा और लो इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जैसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम वहां पे बीजेटी में भी ड्रॉ किए थे, आउट वोल्टेज वर्सेस इनपुट, इतना आपके पास ठीक है, तो स्टोरी में जाना पड़ा, एग्जैक्टली डेटा में नहीं गए अपन, स्टोरी में चले गए कि आईडी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो किस रीजन से किस रीजन में एंट्री कर रहा है। ठीक है, ओके, हेडिंग बैठा दो, मैजिकल कंसेप्ट ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर, ऐसा लिखा मैं, द मैजिकल कंसेप्ट ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर, हाँ उसको भी मैजिकल कंसेप्ट ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर हेडिंग डालेंगे ऐसे ही आप। मैजिकल कंसेप्ट ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर, ठीक है, देखो जब कल हम डिस्कस कर रहे थे
ये रजिस्ट्री लोड है, ये वीडीडी, दिस द वी नॉट, और ये वी इनपुट, इतना हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि लैम्डा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर जीरो, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर जीरो, इसका मतलब है कि आर नॉट की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर आर नॉट के लिए इनफाइनाइट है, लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो इसका रिजल्ट हमको पता था। इसका रिजल्ट आपके पास, अगर मैं बोलूं कि इस फिगर में वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या है, तो बहुत ही सिंपल है कि एवी की वैल्यू वी नॉट अपॉन वी इनपुट है, और इसकी जो वैल्यू था वो था माइनस जीएम आरएल डेस, और आरएल डेस की जो वैल्यू होगा वो है कैपिटल आरडी, वो लोड है, इधर वोल्टेज गेन। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व भी करना आता हमको। तो फिर आपके पास ये था कि अगर मैं बोल दूं कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था, कल भी हमारा डिस्कशन का पार्ट था। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब आर नॉट की वैल्यू भी होगा, तो आर नॉट की वैल्यू इन्फाइनाइट नहीं होगा, इज द वी इनपुट। ये अगर मैं बोलूं कि इस फिगर में वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होगी, तो एवी की वैल्यू जो होगा वो वी नॉट अपॉन वी इनपुट, ये माइनस जी एम आर एल डेस होगा। बट हमको क्लियर है कि आर एल डेस की वैल्यू क्या होगी, तो आर एल डेस की वैल्यू होगी कैपिटल आर डी पैरेलल विथ आर नॉट। और ऐसा भी नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, मैं कल ही बात कर रहा था कि अगर मैं इसको सॉल्व करना भी है तो बड़े आराम से बात की जा सकती है। इसको अगर हमको दिखाना है किसी को तो बहुत ही आराम से, हम तो इन जनरली इक्विवेलेंट सर्किट जानते हैं। ये आरडी हुआ, सोर्सेस ग्राउंड हुआ, ये ड्रेन है, ये आर नॉट है, ये सोर्स है, यहां पर वैल्यू जो है वो जीएम वीजीएस, ये जीरो है, दिस द वी इनपुट, ये वीजीएस, ये गेट टू सोर्स, ये आर नॉट, ये वी नॉट, ये कैपिटल आर डी, और ये सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड है, दिस वन। इस फिगर में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वीजीएस की वैल्यू ही वी इनपुट है, इसका मतलब है कि जो आपके पास जीएम वीजीएस आप लिखते हो, उस जीएम वीजीएस को आप जी वी इनपुट भी लिख सकते हो, उस जीएम वीजीएस को, बिकॉज गेट टू सोर्स वोल्टेज ही वी इनपुट है। अगर मैं इस जगह पर नोट लगा रहा हूं तो सिंपल है कि वी नॉट माइनस जीरो बाई कैपिटल आर डी है, फिर सोर्स ग्राउंडेड है तो वी नॉट माइनस जीरो बाई आर नॉट है, और इस जगह पे आपके पास जीएम वीजीएस है और वीजीएस की वैल्यू वी इनपुट है, ये इसका मतलब है कि वी नॉट अपॉन आर एल डेस हो गया, और ये माइनस जी एम वी इनपुट आ गया, तो वी नॉट अपॉन वी इनपुट की जो वैल्यू है वो था आपके पास माइनस जी एम आर एल डेस, और आर एल डेस की वैल्यू है, दिस इज द रिजल्ट। ये हमको पता, अच्छी बात है, नहीं पता तो 10-15-20 सेकेंड हम स्टोरी क्रिएट कर लेंगे, द जीएमवीजीएस, यही बना हुआ। जब कोई बोलता है कि मॉस्फेट का सर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, तो मॉडल हमको जरूरत नहीं पड़ती, हम तो इसी को सॉल्व कर लेते, नहीं तो मॉडल अगर किसी को बनाना है तो ये आपके पास है, ये सोर्स है, ये आईजी की वैल्यू जीरो एम्पियर है, ये वीजीएस है गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये वीजीएस सोर्स ग्राउंडेड है, ये आपके पास है जीएम वीजीएस, हम तो मॉडल बनाते नहीं है, ये जीएम वीजीएस है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है, इसलिए सर क्या है स्मॉल आर नॉट भी है, ये ड्रेन टू सोर्स के बीच में आपके पास लगा हुआ है, और उसके बाद एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आपके पास कितना है कैपिटल आर डी, ये वी नॉट है, ये सिंपल नोड लगाएंगे तो आ जाएगा, और ये सोर्स है, जितना भी जगह लिखना है, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये सोर्स, और सोर्स ही ग्राउंड है, दिस वन, ये, और ये आपके पास इस जगह पे हो गया इनपुट वोल्टेज, ये, और अगर एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं तो इनपुट वोल्टेज गेट इज ग्राउंडेड, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, हमको जरूरत नहीं पड़ती, अलग बात है, लोग इसमें नोट लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट बना के, हम भी नोट लगाएंगे तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है, वी नॉट बाई आर डी एक करेंट, अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये वन नंबर है, ये वी नॉट बाई आर डी जो है दूसरा नंबर है, और ये जो करेंट सोर्स है तीसरा नंबर है, तो यही तो है, ये फर्स्ट नंबर है वी नॉट बाई आर डी वी नॉट, और ये थर्ड टर्म, यही मॉडल के थ्रू ये लिखा हुआ है, इट्स ओके, हमको जरूरत नहीं, हम तो वही की वही हैंडल कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं कि हमको कोई बोले कि मॉडल बना के बता दो यार, तो मॉडल बना के नहीं बता पाएंगे, मॉडल बना के बता देंगे, ये मॉस्फेट का मॉडल बना हुआ है, तब ऐसी कॉमन सोर्स एम्पलीफायर।
इस जगह पे जब भी हमको एक एम्पलीफायर के समान बात करना होता तो हम हमेशा एज्यूम कर लेते कि हमारा जो मॉस्फेट है वो सैचुरेशन रीजन में, वे एज्यूम दैट कि मॉस्फेट इज इन सैचुरेशन रीजन, क्योंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की जब बात आएगी वो तो सीधे सैचुरेशन रीजन में लैम्डा की बात होगी। और इन जनरली अगर मैं एक एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, वोल्टेज गेन की बात कर रहा हूं, तो दूसरे रीजन में तो वोल्टेज गेन की बात होगी नहीं भाई, तीन ही रीजन होते हैं, कट ऑफ वो तो बात खत्म हो गई। फिर बचता है ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन, जिसमें एम्पलीफिकेशन के समान बिहेव करता है सैचुरेशन रीजन में। अब हम कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं, हमको कोई इनपुट की वैल्यू तो दिया नहीं है, इनपुट की वैल्यू थोड़ी दी हमको कि कितनी वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है आपके पास कि एज्यूम आपके पास जो मॉस्फेट है, दिस ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन, दिस मॉस्फेट इज इन सैचुरेशन रीजन, तभी तो हम एक एम्पलीफायर के समान यूज कर पाएंगे। इसलिए आपके पास इन जनरली बेहतरीन बुक आईटी के प्रोफेसर का स्टेटमेंट लिखा रहता है एज्यूम मॉस्फेट इज इन सैचुरेशन रीजन, तो एम्पलीफायर कैसे होगा, क्योंकि हमको डेटा थोड़ी दे रहे कि हम प्रूव कर रहे कि सैचुरेशन रीजन में, लेकिन एम्पलीफायर पढ़ रहे तो सैचुरेशन रीजन में तो लिखा रहता है। तो ये बातें आपके पास जैसा लिखा हुआ है इतना क्लियर रहना चाहिए हमको। तो मॉडलिंग में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो मॉडलिंग हमारे पास है हम तो सोर्स वाला भी लिए थे कल, अगर आपको याद होगा तो सोर्स वाला भी सॉल्व किए थे। इक्विवेलेंट सर्किट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट हम किसी को भी दिखा सकते हैं, इस टाइप की बातें हम हमेशा कर सकते हैं, इतना क्लियर है आपको। तो एज्यूम मॉस्फेट इज इन सैचुरेशन रीजन बड़ा ही कॉमन सा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको इनपुट तो दे नहीं रहे कि हमारे पास कितना वैल्यू है आपके पास। यहाँ पे भी हमने लिख रहे कि वीजीएस की वैल्यू कितना है, वीजीएस की वैल्यू कितना है आपके पास, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, सब तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो हमेशा हम जो हमारा डिस्कशन होता है कि मॉस्फेट किसमें है, इज इन सैचुरेशन रीजन। हाँ, कभी कोई बोल दिया कि मेरे को आउटपुट वोल्टेज, इसी फिगर में कोई बोल दिया कि मेरे को आउटपुट वोल्टेज चाहिए इन ट्रायोड रीजन, इसमें कोई बोल दिया कि ये हमारा जो फिगर है यही वाला फिगर है, मेरे को चाहिए आपके पास कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा आपके पास इसी फिगर में, कि आउटपुट वोल्टेज इन ट्रायोड रीजन, ये फिगर है ये, ऐसी बात हुई नहीं कभी, लेकिन फिर भी ये आपके पास कैपिटल आरडी था, ये वीडीडी था, ये वी आउट था, बोला कि वी आउट की वैल्यू बता दो इन ट्रायोड रीजन, और ये वी इनपुट था, ये बोला हमको वी आउट की वैल्यू चाहिए, वी आउट चाहिए किसमें, ट्रायोड रीजन, ये वी आउट की वैल्यू। अब हमको क्लियर रहना चाहिए कि ट्रायोड रीजन में वी आउट की वैल्यू बोल रहा है, तो फिर हमारा जो मॉस्फेट होगा वो जब ट्रायोड रीजन में होगा आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट हम डीपली ट्रायोड रीजन मान लेते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा जो मॉस्फेट होगा वो एक आर वन से रिप्लेस हो जाएगा जो कल हमारा रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फिगर कैसे होगा बताए, वीडीडी होगा या आरडी होगा, और यहां पे एक आर ऑन लगेगा और ये वी नॉट है, मॉस्फेट हट गया, ये आर ऑन है, ये ट्रायोड रीजन का रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल आरडी है, ये वीडीडी है, वी आउट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाए हम, वीडीडी इंटू आर ऑन डिवाइड बाई आर ऑन प्लस कैपिटल आरडी, ये वी आउट की वैल्यू होगी, द वी आउट वैल्यू इन द ट्रायोड रीजन। लेकिन एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर ट्रायोड रीजन एम्पलीफिकेशन की तो बात होती नहीं, ये तो नॉर्मल आपके पास बायसिंग वाला आपके पास हो गया कि वी आउट की वैल्यू चाहिए ट्रायोड रीजन में। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉस्फेट है वो ट्रायोड रीजन में, और हमको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, तो ये डिस्कशन एम्पलीफायर नहीं, ये कैसे हो जाएगा एम्पलीफायर का डिस्कशन। तो क्या किया हम लोग, हम पूरे मॉस्फेट को रिप्लेस कर दिए उसके आर ऑन रेजिस्टेंस से, डिवाइडर रूल लगा दिए, ये गेट करंट वैसे भी हमारे पास जीरो से, इधर से क्यों लिखे, ये जीरो एम्पियर, गेट इज आइसोलेटेड, आर ऑन रेजिस्टेंस रिप्लेस किए, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए क्या आउटपुट वोल्टेज इन डीपली ट्रायोड रीजन या सिंपली ट्रायोड रीजन लिखा हुआ रिजल्ट। ठीक है, तो जस्ट रिप्लेस कर दिया, आरडी ऑन की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास है, हम निकाले थे वीडीएस अपॉन आईडी की वैल्यू, कल फाइंड आउट कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए थे, क्लियर, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई 12 था, और ट्वाइस वीजीएस माइनस वीटीएच इनटू वीडीएस था, क्योंकि वही टर्म रिस्पॉन्सिबल था फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ वीडीएस। अब देखो आपके पास होता है क्या है सब में, ये डिस्कशन के लिए बोर्ड में जितना भी लिखा है सब कुछ अच्छा है, ये रजिस्ट्री लोड, अगर आप ध्यान देखोगे आपके पास ये रजिस्ट्री लोड, ये कैपिटल आरडी एक कॉमन, एक बेसिक कॉमन सोर्स मॉस्फेट एम्पलीफायर, एक बेसिक कॉमन सोर्स क्या मॉस्फेट एम्पलीफायर, ये रजिस्ट्री लोड, ये रजिस्ट्री लोड,
बेसिक कॉमन सोर्स मॉस्फेट एम्पलीफायर एक रजिस्ट्री लोड है। अब होता क्या है कि बहुत सारे सीमॉस जो टेक्नोलॉजीज होती है आपके पास, उसमें जो फेब्रिकेशन होता है रजिस्ट्री लोड का वो इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है उसकी, फिर वैल्यूज के लिए फिर एक्यूरेसी का भी केयर करना होता है। तो जो डिजाइनिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें फिर हम रजिस्ट्री लोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी का एडवांस वर्जन हो गया कि रजिस्ट्री लोड को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं। स्पेशल केस में क्या होगा, जो आपके पास कैपिटल आरडी था रजिस्ट्री लोड, उसको कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करने वाला हूं, इज द कांस्टेंट करंट सोर्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिगर में मैं लगाने वाला हूं, देखो आपके पास एक कांस्टेंट करंट लगा दिया, दिस इज द कांस्टेंट करंट, बोले कि आई करंट फ्लो है, सप्लाई लगा हुआ है, सप्लाई लगा हुआ है, वी आउट लगा है, वी आउट लगा हुआ है, देखते रहना बस। अब आप ये वी इनपुट, ये दिस वन इज द कांस्टेंट करंट, तो रजिस्ट्री लोड इज रिप्लेस बाय द कांस्टेंट करंट। अब कांस्टेंट करंट है भैया, हमको तो यही पता है कि करंट एक ही फ्लो होता है मॉस्फेट में, गेट करंट तो होता नहीं, इसका मतलब तो ड्रेन करंट हो गया और कांस्टेंट करंट है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप कांस्टेंट करंट यूज कर रहे हो तो आईडी की जो वैल्यू होगी वो तो आई होगी और ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, आईडी के लिए आई होगा और ये तो कांस्टेंट। सेकेंड चीज ये कि कांस्टेंट जो करंट होता है आपके पास, जो कांस्टेंट करंट होता है वो तो फिर सैचुरेशन रीजन में होता है। तो बहुत बार आपके पास एक कांस्टेंट करंट को हम यूज करते हैं फॉर सैचुरेशन रीजन, क्योंकि करंट फ्लो है और करंट कांस्टेंट है। अब बहुत बार बात यह होती है कि करंट अगर कांस्टेंट है, ये वी इनपुट की वैल्यू क्या है, यहां पे इस जगह पे अगर मैं बोल रहा हूं तो वी इनपुट की वैल्यू वीजीएस। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वीजीएस बढ़ेगा, वीजीएस के बढ़ने से तो फिर वीजीएस के बढ़ने से तो फिर करंट बढ़ना चाहिए, वो तो बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन करंट तो कांस्टेंट है तो फिर ये कैसे वैलिड होगा सर्किट। अगर मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वीजीएस बढ़ेगा, वीजीएस के बढ़ने से तो ड्रेन करंट बढ़ता है, बट ड्रेन करंट तो कांस्टेंट है, देखो ड्रेन करंट बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि जैसे ही आपके पास एक कांस्टेंट करंट दिख रहा है, ध्यान देखिएगा क्या क्या बात करने वाला हूं, कांस्टेंट करंट तो ड्रेन करंट इज कांस्टेंट। नॉर्मली हम एक कांस्टेंट करंट को आप यूज करते हैं फॉर द सैचुरेशन रीजन की करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें कोई ड्रिफ्ट होगा नहीं फॉर द एनी वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। दूसरी चीज कि ड्रेन करंट की वैल्यू होता है क्या, ड्रेन करंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं कि सर ड्रेन करंट की वैल्यू अगर के एन बाई टू या बीटा एन बाई टू, और अगर मैं बोलूं कि सैचुरेशन रीजन में क्या होगा तो वीजीएस माइनस ये वीटीएन इसका होल स्क्वायर होगा, और अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं तो इनपुट की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो सर वीजीएस बढ़ेगा, क्योंकि वीजीएस ही इनपुट है, और अगर ऐसा होगा तो ड्रेन करंट बढ़ेगा। अब ड्रेन करंट अगर बढ़ेगा तो फिर ये कांस्टेंट कैसे हो गया, तो इनवैलिड इक्वेशन हो जाएगा कंसेप्ट वाइज। तो होता क्या है, ये इक्वेशन तभी वैलिड हो सकता है जब आपके पास, जब भी करंट की वैल्यू दी आपके पास, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट करना चालू कर देता है। आईडी की वैल्यू इज द के एन बाई टू, ध्यान देखना अभी, VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा VDS। अब होता क्या है कि इस फिगर में VDS ये, अब होता यह है कि ID है, यह है KN by 2, ये है V input VGS की जगह माइनस VTN का होल स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा VOUT। अब होता यह आपके पास कि जैसे आप इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो ड्रेन करंट कांस्टेंट होगा तो आउटपुट की वैल्यू कम होती है और ड्रेन करंट विल बी कांस्टेंट। इसका तब इक्वेशन तभी वैलिड हो सकता है जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट करे, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और भी बात करता हूं, सेकंड चीज आपके पास कि ये ड्रेन करंट की वैल्यू कांस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा। आप अगर इतना इक्वेशन लिख के रखे और इसको नहीं लिख रहे हो, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर नहीं है, तो फिर तो इनपुट के बढ़ने से ड्रेन करंट बढ़ना ही है। लेकिन ये आपके पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर विल एग्जिस्ट और ड्रेन इनपुट वोल्टेज के बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी और ये जो प्रोडक्ट होगा आपके पास मेंटेन रहेगा, आईडी की वैल्यू कांस्टेंट। ये बहुत ही पॉपुलर फिगर है कि मैं एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट करंट सोर्स है। बहुत सारे जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट होता है, हम लोग करंट मिरर सर्किट यूज कर लेते हैं उस लोड की जगह पर और कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट करंट, रजिस्ट्री लोड इज रिप्लेस बाय द कांस्टेंट करंट। पहला चीज आपके पास की ये कंसेप्ट की बात किया मैं, क्या ड्रेन करंट कांस्टेंट कैसे होगा, तो पहले तो बताया कि ड्रेन करंट कैसे कांस्टेंट होगा, हाउ ड्रेन करंट विल कांस्टेंट, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट बना दिया हमें, इट अ करंट सोर्स, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आ जाता है कि सर अगर मेरे को इसका गेन निकालना है तो अब कोई गेन कैसे फाइंड आउट कर पाएगा, रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा, कोई गेन कैसे फाइंड आउट कर पाएगा। सबको समझना कि कोई बोल रहा है कि सर मेरे को इसका गेन फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आपके पास सपोज करो आप गेट के एग्जाम में आ गया कि गेन निकालो यार, वी आउट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू बताओ, बताओ गेन कितना होगा, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन कितना होगा, वी आउट अपॉन वी इनपुट। अब
इस फिगर में अगर मैं बोलूं कि मेरे को गेन फाइंड आउट करना है, तो मैं तो जैसे ही मैं गेन की बात करूंगा तो करेंट सोर्स ओपन हो जाएगा, तो डीसी है ना यार, करेंट सोर्स ओपन हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, करेंट सोर्स ओपन हो गया, करेंट सोर्स का तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अरे करेंट सोर्स तो ओपन ही होगा ना जब आप एसी एनालिसिस कर रहे हो, यहां पर कितना हो गया, ये ग्राउंडेड, ये आपके पास वी इनपुट की वैल्यू है, ये गेट है, इसमें करेंट जीरो, ये सोर्स है, इनपुट की वैल्यू किसके बराबर, वीजीएस के बराबर, ये आपके पास क्या वी आउट है, यहां पे वैल्यू क्या लिखते हो आप, जीएम वीजीएस, वीजीएस तो वी इनपुट है, आप चाहो तो इसको जीएम इंटू वी इनपुट भी लिख सकते हो, लिखना ध्यान से, रिसोन लिख सकते ना इसको तो हम लोग। अब ये आपके पास कि अगर मेरे को वी आउट की वैल्यू, वी आउट अपन वी इनपुट की अगर मेरे को बात करना है, ये जगह पे अगर मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो आपको देखिएगा आपके पास कि तो जीरो एम्पियर है, जीएम वीजीएस इक्वल टू जीरो एम्पियर लिखना चालू हो जाएगा, तो अरे जीरो एम्पियर है तो ओपन सर्किट हो गया, तो जीएम वीजीएस इक्वल टू जीरो लिखना पड़ जाएगा, वीजीएस तो वी इनपुट के बराबर है, इक्वेशन कभी वैलिड ही नहीं हो सकती, इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और पता आपके पास एक आर नॉट एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देखना आप, पहले बोल चुका हूं मैं दिस कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स वाला जो पार्ट होगा इज ओनली वैलिड व्हेन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर विल एग्जिस्ट। ये देखो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट कर दिया, आर नॉट नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो नोट लगाओगे तो क्या होगा, वी आउट, हाँ वी आउट माइनस जीरो बाई आर नॉट, ये ऊपर से करेंट जीरो, सिर्फ दो ही ब्रांचेस है, एक है जी एम वी इनपुट और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, दो ही करेंट, एक तो जीएम वीजीएस, एक ये करेंट और एक ये करेंट, वी आउट माइनस जीरो बाई आर नॉट, बस इतना ही है, ऊपर वाला करेंट सोर्स तो ओपन हो गया। अब मैं बोल रहा हूं जीएम वीजीएस, वीजीएस तो वी इनपुट है, ठीक है, पता आंसर कितना आ रहा है, वी आउट अपॉन वी इनपुट, दैट मीन्स द वोल्टेज गेन कितना आ रहा है, वोल्टेज गेन की वैल्यू कितना, कितना माइनस जीएम इंटू आर नॉट, कितना आ रहा है माइनस जीएम इंटू आर नॉट, तो इस फिगर का जो कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स डिवाइस लगा आपके पास इसका वोल्टेज गेन माइनस जीएम आर नॉट होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज की आर नॉट तो बहुत ज्यादा हाई होता है, अरे पहले वाला कितना था जब शुरू में आपके पास रजिस्ट्री लोड था तो कैपिटल आरडी, और अगर वहां पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट कर भी जाएगा तो भी लोड होता है कैपिटल आरडी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट। अब स्मॉल आर नॉट तो बहुत ज्यादा हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट, तो हमेशा आंसर कितना आ जाता है माइनस जीएम इंटू आरडी। अगर आपके पास रजिस्ट्री लोड है तो रजिस्ट्री लोड जब हम पढ़ रहे थे तो वोल्टेज गेन कितना था, वी नॉट अपॉन वी इनपुट, अगर मैं बोलूं कि माइनस जीएम आरएल डेस, और आरएल डेस की वैल्यू कितना भैया, तो आप बोलोगे कैपिटल आरडी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट, अगर लैम्डा जीरो नहीं है तो उसके बाद भी इन दोनों का इक्विवेलेंट तो आरडी आएगा लगभग, आरएल की जो वैल्यू होगी आपके पास अप्रोक्सीमेट आरएल डेस की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट आरडी होगी, क्योंकि स्मॉल आर नॉट तो बहुत ज्यादा आपके पास हाई होता है, लेकिन यहां तो स्मॉल आर नॉट है, यहां पर क्या है स्मॉल आर नॉट है। अब स्मॉल आर नॉट है इसका मतलब है यह मैक्सिमम गेन होता है आपके पास, मैक्सिमम गेन ऑफ सिंगल डिवाइस, इससे ज्यादा गेन कभी किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी स्मॉल आर नॉट तो आने से रहा, तो ये मैक्सिमम गेन ऑफ सिंगल डिवाइस है, इसको इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट बोला जाता है, इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट, इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट, दिस वन द माइनस जीएम आर नॉट, माइनस क्यों सर, फेस शिफ्ट 180 डिग्री, कॉमन सोर्स में फेस शिफ्ट 180 डिग्री होता है, डोंट वरी फॉर माइनस, जीएम आर नॉट मैग्नीट्यूड इज द मैक्सिमम गेन ऑफ द डिवाइस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा आपके पास क्योंकि हम तो लोड तो बनाते ही ना, बिना लोड के कहां बात करते, हम रिप्लेस कर दिए एक्चुअली इस तरीके से कि आपका जो रजिस्ट्री लोड था, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है आपके पास फेब्रिकेशन प्रोसेस वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉस्टली भी होता है, उनकी वैल्यूज को मेंटेन करना, रेजिस्टेंस की वैल्यूज को मेंटेन करना, वैसे तो फेब्रिकेशन प्रोसेस आप लोग को हटा दिया गया, आईसी टेक्नोलॉजी आपका पिछले चार साल से हटा दिया गया, तो पहले आईसी टेक्नोलॉजी था, ईडीसी में एक चैप्टर था आईसी टेक्नोलॉजी जो नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन अब तो आजकल तो हट गया आईसी टेक्नोलॉजी, तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में भी वहां पे बहुत सारी बातें करते हो आपके पास, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और बहुत सारा पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे बनता है करके, तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास कितना आंसर आया पता है, माइनस जीएम आर नॉट आया, इसको बोल रहा हूं इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर, ऐसा कभी यूज नहीं किए वो लोग, करेंगे आने वाले समय में, तो मैं आज इसी से बात करने वाला हूं, तो इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट लिखा हुआ है द माइनस जीएम आर नॉट, स्मॉल आर नॉट है याद रखना, इतना गेन नहीं हो सकता किसी का भी, स्मॉल आर नॉट इज वेरी वेरी हाई वैल्यू, क्या टर्मोलॉजी बोला मैं, इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर इज द मैक्सिमम गेन ऑफ सिंगल डिवाइस, एक ही तो डिवाइस है, सिंगल स्टेज द मैक्सिमम गेन ऑफ सिंगल स्टेज, इंट्रेंसिक इज द इंट्रेंसिक गेन ऑफ मॉस्फेट,
ये तभी वैलिड है आपके पास एक करंट सोर्स जब आपके पास चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। अगर आप बोलोगे कि चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सर्किट ही वैलिड नहीं होगा, ये सर्किट ही वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर तो ड्रेन करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट कैसे हो सकती है। तो चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर एग्जिस्ट होगा तो ही ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो सकता है। हेडिंग छोड़ देना रेड वाला, बाकी सब हटा देना। ये इतना क्लियर हुआ? और बाकी ये कैलकुलेट करना तो अपने को आता है, ये कैलकुलेट करना तो अपने को आता है। तो कांस्टेंट जो करंट सोर्स होता है आपके पास, ये हम सैचुरेशन रीजन के लिए यूज कर लेते हैं कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है, फिर भी इसके बाद भी अगर दिया रहेगा तो हो सकता है उसमें लिखा रहे कि अज्यूम ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, ट्रांजिस्टर मॉस्फेट की बात है, एनमॉस ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं हम, बट फिर भी आपको क्लियर है कि कांस्टेंट करंट सोर्स अगर है तो दिस कांस्टेंट करंट सोर्स यूज फॉर द सैचुरेशन रीजन, करंट विल बी कांस्टेंट। ये तो आंसर कितना है बताओ आपके पास, कितना आंसर? माइनस जीएम इंटू स्मॉल आर नॉट, माइनस जीएम इंटू स्मॉल आर नॉट। एक और चीज बोला गया कि ठीक है, इसमें तो आपके पास चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर के बारे में बात हुई, लैम्डा के बारे में बात हुई, इस करंट को एग्जिस्टेंस के बारे में बात हुई, और बेसिक सा फिगर और बहुत ही गुड फिगर है जो आप देख रहे हो, ये सब आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में जैसे आप एंट्री मारोगे। दूसरा फिर बोला गया आपके पास कि स्पेशल केस का सेकंड फॉर्म ये हो सकता है कि क्यों ना जो लोड है रजिस्ट्री लोड, तो रजिस्ट्री लोड की जगह कांस्टेंट करंट से रिप्लेस किया, क्यों ना रजिस्ट्री लोड को पूरे के पूरे एक मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, एक पूरे का पूरा जो रजिस्ट्री लोड है उसको मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ, स्पेशल केस टू कि जो रजिस्ट्री लोड था कैपिटल आर डी उसको आपके पास एक मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, एक मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाए। और यही सबसे ज्यादा यूज आपके पास डिस्कशन होता है, सबसे ज्यादा यूज कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसी को यूज करते हैं हम लोग अपने सीमॉस टेक्नोलॉजी में इन जनरल। तो सबसे ज्यादा यूज कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाला हूं मैं, तो मैं मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करने वाला हूं। अब होता क्या है कि फिगर हमारे पास ऐसा था, देखना ध्यान से, ये हमारे पास था ये, रीआउट बना हुआ है। अब आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा आपको, आपको लगेगा रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, ये सब फेवरेट फिगर आपके पास। अब मैं दो मॉस्फेट हो गए मेरे पास, ये M1 आपके पास, ये M2 मॉस्फेट हो गया, ये M2 मॉस्फेट हो गया, बट इंटरेस्टिंग बात है कि जो M2 मॉस्फेट आपको लग रहा है वो एक्चुअली लोड है। ये जो दिख रहा है आपके पास मॉस्फेट, एस टाइप के लोड को आप एक्टिव लोड बोलते हो, क्योंकि डिवाइस आप यूज कर रहे हो, और वैसे भी बीजेटी मॉस्फेट सब एक्टिव डिवाइस है, इज एक्टिव लोड। रजिस्ट्री लोड के कंपेयर में जैसे आप एक्टिव लोड करते हैं आपके पास, तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत एडवांटेज होता है, फैब्रिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग, पता है एक्टिव लोड के समान बिहेव कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान से आप इस फिगर को देखना, ये एक M1 लिखा हुआ है, एक M2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको लगेगा V0 है, यही आपके पास बेसिक एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, एक बेसिक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जो हम पढ़ रहे थे, बेसिक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, बट अब आपके पास एक्टिव लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? एक्टिव लोड लगा हुआ। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर दिख रहा है, अगर हम इस पर फोकस करें, इस फिगर पे, सिर्फ इस फिगर पे फोकस करें, मतलब उस वाले M2 पे फोकस करें कि सर ये क्या है, ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ आपके पास, ये जो एक्टिव लोड था, इस पर अगर हम फोकस कर रहे हैं, ये टर्मिनल बनाया मैं, ये कनेक्टेड था इस जगह से, दिस वन, मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास अगर एक एक्टिव लोड है, एक एनमॉस आपके पास ट्रांजिस्टर दिख रहा है, अगर मेरे को यहां से सीन करना है, सीन करना है इस जगह से, सीन करना है कि इसका कितना रेजिस्टेंस होगा इस जगह से, अगर मेरे को सीन करना है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को सीन करना है, और मैं अगर बोलना चाहता हूं कि आरटीएच अगर देखना है, तो आरटीएच की वैल्यू वीडीसी अपन आईडीसी होगा, किसी भी जगह से अगर आप सीन कर रहे हो तो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वीडीडी की वैल्यू जीरो सर, हाँ नो इशू, दिस इज अप्लाइज इस ग्राउंडेड, मेरे को सीन करना है इस जगह से कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि तो लोड है, इज एक्टिव लोड, ये फिगर को आप जो बोल रहे हो ये एक्टिव लोड है, ये एक्टिव लोड है, मेरे को देखना है कि इसका रेजिस्टेंस यहां से कितना होगा, कैसे निकालोगे, किसी भी टर्मिनल पर रेजिस्टेंस निकालना है तो उस जगह का वोल्टेज उस जगह के करंट का रेशियो, उस जगह का वोल्टेज उस जगह के करंट का रेशियो,
अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे वीडीसी वोल्टेज लगा दिया, यहां से आईडीसी करंट फ्लो है, मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, इस टर्मिनल पे वोल्टेज लगा दो। अब डिपेंड करता है आपके पास कि कोई कैसे भी बोल सकता है। सबसे पहला चीज तो आपके पास वीडीडी जो है ग्राउंड हो गया। हाँ क्यों वीडीडी ग्राउंड हो गया, थेविनिन आप फाइंड आउट कर रहे थे। सर यहां पर एक वीडीसी लगा दूं क्या अच्छा लगेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा वीडीसी लगा दो और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा आईडीसी, और वीडीसी अपन आईडीसी का रेशियो हम फाइंड आउट करने वाले। इस जगह से हम सीन करने वाले कि जो लोड है आपके पास एक्टिव लोड जो रजिस्ट्री लोड को रिप्लेस करके लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस जगह से हम देखने वाले। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि हमको बेसिक अपनी स्टोरी तो पता ही है, बेसिक अपनी स्टोरी पता ही है। ध्यान से देखते रहना अगले दो घंटे तक, 6:30 हो रहा होगा लगभग, हाँ 8:30 8:45 तक कंटिन्यूस देखते रहना। यह हमारे पास 0 एम्पियर, हमारा स्टाइल तो चेंज होगा नहीं, एनमॉस है, जीएम जीएम वीजीएस, अरे हम हमारा तो चीजें फिक्स है, इतनी चीज तो है 0 एम्पियर जीएम वीजीएस, ठीक है जीएम वीजीएस है, वीजीएस लिखना आना है, ये गेट और ये सोर्स है, ये क्या हो गया वीजीएस हो गया, इतना है। देखो ध्यान से देखो एक बार, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि इस मॉस्फेट में जो मैं एक्टिव लोड के सामान ले रहा हूं, इसमें मैं आर नॉट लैम्डा जीरो लिया, इसका मतलब है कि आर नॉट नहीं ले रहा हूं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर नहीं है। लैम्डा जीरो लेने का क्या मतलब है? सर आर नॉट इन्फाइनाइट ले लिए सर, तो दिख नहीं रहा आपको, इन्फाइनाइट है लैम्डा जीरो ना भाई, अब ध्यान से देखना। अब इस जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस फिगर में, इस फिगर की खूबसूरती जो है कि वीजीएस की वैल्यू, आप क्या बोलोगे? सर वीजीएस तो वीजी माइनस वीएस होता है, बिल्कुल सही, ये तो होता ही है, तो कोई बात ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वीजी माइनस वीएस होगा। क्या है वीजीएस की वैल्यू? वीजी माइनस वीएस है तो गेट वोल्टेज कितना है? अरे यार देखो, ये देखो शॉर्ट सर्किटेड है, हेलो क्या है शॉर्ट सर्किटेड है, इसका मतलब वीजी तो जीरो है सर, सही। सोर्स वोल्टेज की वैल्यू कितना है? सोर्स वोल्टेज की वैल्यू देखो आपके पास इस जगह पे कितना है? वीडीसी, तो सर वीजीएस की वैल्यू माइनस वीडीसी है, नहीं अरे सोर्स वोल्टेज वीडीसी है ना, वही तो आप निकाल रहे सीन कर रहे थे, वही तो थेवेनिन इंपेडेंस फाइंड आउट करने वाले हो, तो सोर्स वोल्टेज इज वीडीसी और गेट वोल्टेज वो डायरेक्ट कनेक्टेड था आपके पास। अभी देखो आपके पास माइनस वीडीसी आ गया, वीजीएस की वैल्यू। अब देखना अब क्या हो क्या रहा है इस जगह पे, यहां से करंट आ रहा है, बताओ आईडीसी और जीएम वीजीएस का क्या रिलेशन है? आईडीसी ऊपर जा रहा है, जीएम वीजीएस नीचे आ रहा है, देखो ना ध्यान से, अरे ये ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में है। क्या आईडीसी की वैल्यू बताओ कितना है? माइनस जीएम वीजीएस, ठीक है चलो कोई बात नहीं, माइनस जीएम वीजीएस। वीजीएस की वैल्यू क्या? अरे वीजीएस की वैल्यू क्या? माइनस वीडीसी। बताओ वीडीसी अपन आईडीसी कितना आ गया थेवेनिन इंपेडेंस की वैल्यू उस जगह से जब सीन कर रहे थे तो? अरे वीडीसी अपन आईडीसी की वैल्यू 1/gm, क्या आ गया 1/gm। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो ये जो डिवाइस है आपके पास, कौन सा एक्टिव लोड, ये दिस वन, ये जो एक्टिव लोड है आपके पास वीडीडी, ये इस डिवाइस को लोग जो रिप्लेस कर देते हैं, इस डिवाइस को किससे रिप्लेस कर देते हैं? किससे? 1/gm से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? 1/gm से। इंपॉर्टेंट चीज क्या बताओ आपके पास? इसका मतलब यह हुआ कि सर ये जो एक्टिव लोड है आपके पास, ये तो कई लोगों को समझ नहीं आता, ये जो एक्टिव लोड है एक्चुअली इस फिगर का कॉम्बिनेशन कैसे, देखना ध्यान से जितनी मैं बात करते जाऊंगा। ये आपके पास था एक्चुअली जो ऊपर का एक्टिव लोड था उसकी वैल्यू कितनी है? तो बोले सर उसकी वैल्यू तो 1/gm है। चलो आपके पास मॉस्फेट 2 है तो उसको जीएम 2 लिख लो, बिल्कुल सही है। अरे मॉस्फेट 2 है ना यार, उसका ट्रांसकंडक्टेंस लिखे तो सॉल्व किए। ये वीडीडी थी आपके पास, ये वीडीडी अभी इसको रिप्लेस कर लिए, यहां से आपके पास क्या हुआ? ये एम1 है, ये वी नॉट है, ये वी इनपुट है। सर वो तो एक्टिव लोड पूरा रिप्लेस हो गया 1/gm से, हां हम उसको रिप्लेस कर लिए। मेरे को बताओ ये तो बेसिक से आंसर हो गया। इस वाले में अगर मैं बोल रहा हूं लैम्डा की वैल्यू तो उसमें भी नहीं लिया था, अभी भी नहीं ले रहा हूं लैम्डा की वैल्यू, नहीं ले रहा हूं, पता गेन कितना होगा? अभी तो लिख रहा था गेन कितना होता है करके, वी नॉट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू। सर माइनस जीएम इंटू आरएल, ये लोड है, ये लोड हो गया, कितना आंसर? सर माइनस जीएम 1/1, क्यों? एम1 मॉस्फेट M1 के लिए, इसका ट्रांसकंडक्टेंस और इसका लोड, क्या है लोड की वैल्यू? लोड की वैल्यू क्या है? 1/gm2। पता इस वाले का वोल्टेज गेन माइनस gm1/gm2 है, इस वाले का वोल्टेज गेन माइनस gm1/gm2 है, क्यों बताया? क्योंकि जो लोड है ना वो gm2 हो गया, क्या हो गया लोड?
वन अपॉन जीएम टू, लोड कितना हो गया वन अपॉन जीएम टू, और माइनस जीएमआरएल तो हमको पता ही यार, माइनस जीएमआरएल तो अपने को पता ही है, ठीक है। ये देखो आपके पास माइनस जीएम वन अपॉन जीएम टू। अभी हमारा एजम्पशन है कि लैम्डा जीरो है, बराबर लिख देता हूं मैं लैम्डा की वैल्यू जीरो है करके। सेकंड चीज है कि सर जो ये एक्टिव लोड है, ये जो एक्टिव लोड आप यूज कर रहे हो ऊपर वाली जगह पे, इस जगह पे जो एक्टिव लोड यूज कर रहे हो, ये एक्टिव लोड जो होगा वो हमेशा सेचुरेशन रीजन में, क्यों? ये तो कॉन्फिगरेशन मैं पहले बता चुका हूं। ये जो आप एक्टिव लोड यूज कर रहे हैं ना, दिस एम टू, हमको बोलना नहीं पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है कि एम वन जो है सेचुरेशन रीजन में। एक टेक्स्ट बुक वाले को, बेहतरीन टेक्स्ट बुक वाले को, आईआईटी के प्रोफेसर को, एम वन इज इन सेचुरेशन रीजन, एम टू बोलना नहीं पड़ता है। क्यों एम टू नहीं बोलना पड़ता? एम वन एम टू सेचुरेशन में, एम टू के लिए बोलना नहीं पड़ता। वाई सेचुरेशन, देखो इसका ड्रेन और गेट ना आपके पास सेम है, और जब वीडीजी की वैल्यू सेम रहता है तो आपके पास ये वीडीजी की वैल्यू जीरो है। इसको डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बोलते थे, इसको डायोड कनेक्टेड मॉस्फेट ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो। अरे वीडीजी की वैल्यू जीरो है, वीडीजी की वैल्यू कितना है? जीरो। आपको याद होगा वीडीजी की वैल्यू जीरो है तो मैं बहुत आराम से इसको प्रूव कर सकता हूं कि ये किसमें? सेचुरेशन रीजन में। इसको बहुत आराम से प्रूव किया जा सकता है कि सेचुरेशन रीजन में। तो वीडीजी की वैल्यू जीरो, ड्रेन टू गेट आपके पास जीरो है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब सर अगर ये ड्रेन है और ये सोर्स है और ड्रेन और गेट सेम है, तो ये ड्रेन को, ये जो ड्रेन है और ये जो गेट है, इस गेट को मैं ड्रेन लिख सकता हूं क्या? हां, ड्रेन ही गेट है, और ड्रेन ही अगर गेट है तो सर वीडीएस को मैं वीजीएस लिख सकता हूं क्या? आंसर यस है कि वीडीएस ही वीजीएस है। अरे जब ड्रेन ही गेट है तो वीडीएस ही तो वीजीएस हुआ, तो सर ये सेचुरेशन में कैसे हुआ? फिर से बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, सेचुरेशन में कैसे हुआ? हम बोल रहे हैं आपके पास कि सेचुरेशन रीजन के लिए वीडीएस की जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटीएन होना चाहिए। यह है सेचुरेशन की कंडीशन। वीडीएस और वीजीएस तो सेम होता है इस फिगर का, तो आप लिखो इसको वी वीजीएस, ये आपके पास लिखे वीडीएस की वैल्यू, ये लिख रहे आपके पास ये वीजीएस। अब आप सोचो कि अगर ये वीडीएस की वैल्यू वीजीएस के बराबर है, ये वीडीएस की वैल्यू वीजीएस के बराबर है, ये इज द ग्रेटर देन इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटीएन, ये ऐसा होगा कि नहीं? एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एनी इंटीजर वैल्यू होता है कि नहीं? अरे होगा ना, एक्स में से कुछ माइनस करोगे तो कभी होगा, तो ये वैल्यू तो बड़ी हुई ना हमेशा। तो वीजीएस ग्रेटर देन इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटीएन हुआ कि नहीं? यस सर हुआ। ये तो अगर आप वीजीएस में से कुछ माइनस करोगे तो जो बचेगा तो ज्यादा ही आपके पास वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू, तो ये नंबर हमेशा ऐसे बड़ा होगा। इतना क्लियर? इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास ड्रेन और गेट को जब आप सॉर्टेड करते हो तो ये सेचुरेशन रीजन में काम करता है। जैसे बीजेटी में जब कलेक्टर से बेस को अपन सॉर्ट करते थे तो वो एक्टिव रीजन होता था। क्या होता था? एक्टिव रीजन। इसको हम कहां यूज करते थे? करंट मिरर सर्किट में, बिंदास से यूज किए। अपना पेज पलटाओ करंट मिरर का तो आपको दिखेगा कि मॉस्फेट में भी यूज किया इसको। तो ये बहुत ही आपके पास सबसे बेहतरीन एक फिगर होता है जिसको आप लोड के लिए यूज करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सेचुरेशन में। इसको कोई कभी नहीं बताएगा आपको कि सेचुरेशन रीजन में। ये हमारा पार्ट है कि हमको पता है सेचुरेशन रीजन में, और ये हमको कभी भी प्रूव करते आना चाहिए कि व्हाई इज इन सेचुरेशन। यस वी नो दैट कि सेचुरेशन रीजन। देखो ध्यान से, इसलिए आपके पास जब एम वन लिखा रहता है तो एम वन में आपके पास एजम्पशन हो जाता है कि एज्यूम, ऐसा वो लिखेंगे, हमको कुछ करना भी नहीं वैसे भी, एज्यूम एम वन इज इन सेचुरेशन, एम वन इज इन सेचुरेशन, ऐसा आपके पास लिखा रहेगा। एज्यूम एम वन इज इन सेचुरेशन, एज्यूम एम वन इज इन सेचुरेशन। और आपके पास यह भी बात हो जाती है कि जब आप ऊपर इसको लगा देते हो तो अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सर ये तो करंट जीरो फ्लोर है और ये आईडी करंट फ्लोर है, तो मेरे को ये बताओ कि ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, एक मॉस्फेट के ऊपर दूसरा लगा, मॉस्फेट का एडवांटेज है कि मॉस्फेट में करंट सेम फ्लो होता है, तो अगर ये सीरीज में लगा तो ड्रेन करंट विल बी सेम ना, और अगर ड्रेन करंट सेम तो अगर ये सेचुरेशन में है तो बाय डिफॉल्ट सेचुरेशन हुआ ना, करंट विल बी सेम। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे सीरीज में तो करंट सेम होगा ना, इसलिए बड़े आराम से हम बोल पाते हैं कि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं और किसी को प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, आराम से ड्रेन करंट विल बी सेम और ये सेचुरेशन रीजन में प्रूव किया और ये आपके पास लोड लगा हुआ है, तो हमारा जो मॉस्फेट है आपके पास, तो हमने एक रजिस्ट्री लोड को रिप्लेस कर लिया एक मॉस ट्रांजिस्टर से जिसमें आपके पास ड्रेन और गेट आपके पास कनेक्टेड, इज द डायोड कनेक्टेड मॉस ट्रांजिस्टर। टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक वाले लोग, फॉरेन ऑथर के लोग, डायोड कनेक्टेड मॉस्फेट मॉस ट्रांजिस्टर सर्किट बोल देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द डायोड कनेक्टेड, कोई बोल सकता मॉस्फेट में डायोड कनेक्टेड? जंक्शन ही तो है,
तो डायोड करंट है मॉस ट्रांजिस्टर, तो मैं बोल रहा हूं कि ड्रेन करंट की वैल्यू सेम होगी, मॉस्फेट के तो एडवांटेज है करंट विल बी सेम, तो सैचुरेशन रीजन, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको बोला कि यार इसको तो आप रिप्लेस कर सकते हो लोड से, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, लोड से रिप्लेस कर सकते हो, देखो लोड से रिप्लेस कर दिए, लोड से रिप्लेस कर दिए, इसलिए बहुत बार बोला जाता है कि 1/GM से रिप्लेस कर दिया। क्लियर, मैक्सिमम जगह चैनल लेंथ मॉडल से पैरामीटर की बात नहीं करते, लेकिन अगर अभी 2-3-4 सालों से जब ऐसी जगह पे जब डिस्कशन होना चालू हुआ 2018 से अभी तक 2-3 सालों में, तो बहुत अच्छा अच्छा बात करना चालू कर दिया आईआईटी के प्रोफेसर। ठीक है, वो सब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जब मैं आपको दूंगा, अभी ध्यान से देखते रहिएगा, इतना नोट कर लिया आप लोग, वहां बता दिए, हाँ वापस आ जाता हूं मैं। देखना, मैं बोल रहा हूं ठीक है, चलो पता चल गया आपको, ये वीडीडी था, पता चल गया आपको। ठीक है, ये है, मेरे को बोल दिया जाए कि यार देखो ये वी नॉट है, ये वी इनपुट है, देखना ध्यान से, ये पता है, ये है मॉस्फेट M1, ये मॉस्फेट M1, ये मॉस्फेट M2, M1 M2 तो नाम कोई भी दे सकता है, कोई M2 M1 भी लिख सकता है, इट्स ओके। इस M1 का ना ट्रांसकंडक्टेंस है GM1, ठीक है, और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है R01, मतलब चैनल मॉड्यूलेशन की बात चालू है, R0 लिख दिया तो बात चालू होगी। इसमें जो है आपके पास इसका ट्रांसकंडक्टेंस GM2 है और इसमें इसमें R02 है, मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की बात दोनों में हो रही है। R0 लिखने का मतलब भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर होता है। ठीक है, ओके, कोई मेरे को बोले कि देखो यार उसका GM2 R02 है, MOSFET 2 डिफाइंड अलग बात है, एक्टिव लोड है, इट्स ओके। ये आपके पास GM1 R01 है, मैं तो बोल रहा हूं कि चलो अपने को ये बात भी नहीं पता कि वो एक्टिव लोड है, चलो मानते कि अपने को नहीं पता कि वो एक्टिव लोड है, नहीं पता भाई हमको, लेकिन हमारा जो स्टाइल है कैलकुलेट करने का जो मैं आपको दिया हूं, जो कल से हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे को बोला जाए कि यार हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस जगह पे वी नॉट अपॉन वी इनपुट फाइंड आउट करना, ये वोल्टेज गेन की वैल्यू फाइंड आउट करना, और हम मान के चल रहे कि हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन का स्टाइल बहुत अच्छा है, इस बात को पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन अच्छा है, हमको ज्यादा कंसेप्ट नहीं पता, ज्यादा हमको नहीं पता कि एक्टिव लोड है और हम रिप्लेस करने वाले, और हमको पहले से बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें नहीं पता। तो मैं बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे इस जगह पे, अगर आपके पास ऐसा है तो हमारा कैलकुलेशन का स्टाइल ये बोलता है कि हम बहुत ही अच्छे से इस चीज को आराम से हैंडल करें, दिस वन ये, और मैं बोल रहा हूं कि देखो अब ये सोर्स ही आपके पास ग्राउंड है, ये हमारे पास सोर्स है, ऊपर हमारे पास लगा हुआ है जी। इस जगह पे अगर मैं बोलूं तो देखो आपके पास एक R02 लगा रहेगा, बिल्कुल लगा रहेगा सर। यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि कितना होगा आपके पास GM2 और VGS, ये MOSFET कितना है, ये R01 ना, R01 GM1 और ये VGS1, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ये VGS1 हो गया, ये V इनपुट है, अलग बात है कि V इनपुट ही VGS1 है, अब देखना ध्यान से, ये V0 है, ये V0 कि करेंट कितना है इसमें से, 0। ड्रेन क्या होगा, ड्रेन सप्लाई ग्राउंडेड, ये ड्रेन आपके पास ये कितना R02, क्योंकि सेकेंड मॉस्फेट बोला हूं, 1 बोलता था फिर 1-1 लिखता ऊपर, अभी 2 बोला हूं, R02। यहां देखना यह सबसे इंटरेस्टिंग, यहां पे क्या GM1 VGS1 VGS1 बना यार, ये VGS1 बना है, VGS2 ये 2 है ना, बार बार 1-2 हो जा रहा है, VGS2 GM2 ये 2 है ना ऊपर, VGS2 GM2 VGS2 ठीक है, R02 ये 1-1-1-1 सब 1 है, ठीक है, ये फिगर बन गया, ध्यान देखो आप, अभी आप थोड़ी देर नोट मत करो, रख दो पेन, रख दो आप, ओवरऑल क्या आपके पास कि हमको ज्यादा आइडिया नहीं है और हम चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आपके पास, क्योंकि कल तक आपको तो मैं मॉस्फेट ही बात करते रहूंगा, और पिछले 4-5 सालों की जो स्टोरी है इन्हीं के अराउंड में घुमाने की कोशिश करो, और एक स्टूडेंट डरता ही है इन सब चीजों से। अब देखिए आपके पास ये R01 है, ऐसा किसी जगह नहीं लिखा ना जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, याद रखना इस चीज को, ये R01 लिखा आपके पास, चैनल एंड मॉडलिंग से पैरामीटर था, GM VGS1 लिखा। मैं अगर आपसे पूछूं यार कि VGS1 क्या और VGS2 क्या है, इस फिगर में अगर आप ये बता दें मैं सक्सेसफुल हो गए तो चीजें मैक्सिमम 50% सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि VGS1 क्या, बता पाओगे कि VGS1 क्या है, VGS1 क्या दिख रहा है आपको,
वीजीएस वन ये है यार, वीजीएस वन की वैल्यू बताओ, वी इनपुट, बिल्कुल सही। चलो वीजीएस टू की वैल्यू बताओ, देखो जरा वीजीएस टू ढूंढो, वीजीएस टू की वैल्यू सर, सर गेट माइनस सोर्स, सर गेट जीरो है, हाँ गेट जीरो है, सोर्स क्या है, अरे सोर्स क्या है, वी आउट सर या वी नॉट, तो सर ये माइनस वी नॉट हो गया वीजीएस टू की वैल्यू, ये क्लियर रहना चाहिए पहले तो। देखो जरा ध्यान से, अरे देखो ध्यान से, सोर्स आउटपुट है ना यार उसका, ये वी नॉट है, ये इसका सोर्स, ये नोट दिख रहा है आपको, क्या वैल्यू उसकी, वी नॉट, गेट के नोट नहीं करना किसी को, गेट की वैल्यू कितना है, जीरो, सप्लाई तो आप करोगे ना यार, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अब मैं मिस्टर किरचॉफ का नाम लेके अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई कर दिया वी नॉट पे, देखो क्या क्या ब्रांच होगा ध्यान रखना, पहले प्यार से जो जो ब्रांचेस लिखना वो लिख लेते, वी नॉट अपन आर नॉट वन, सही है, वी नॉट माइनस जीरो बाय आर नॉट टू, ये भी सही है, यहां पे भी जीरो लगा सकते हैं, नीचे तो जीरो था ही, वी नॉट माइनस जीरो बाय आर नॉट वन, वी नॉट माइनस जीरो बाय आर नॉट टू, ठीक है। और यहां यहां देखना, ये यहां देखना, प्लस क्या, प्लस प्लस आउटगोइंग, आउटगोइंग क्या, जीएम वन वीजीएस वन, बाद में चेंज कर लेंगे वीजीएस वन को, जीएम वन वीजीएस वन, ये आउटगोइंग, आउटगोइंग ऊपर से आ रहा है यार, ऊपर से आ रहा है, इनकमिंग इस नोट पे इनकमिंग आ रहा है, क्या माइनस जीएम टू, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, उसके लिए ज्यादा वरी ना करो, इसमें किसी को डाउट, किसे, चार में से तीन तो पॉजिटिव लिखे और एक तो नेगेटिव लिखे, अरे इनकमिंग नेगेटिव होता है यार, तीन आउट गोइंग एक इनकमिंग, देख लो ध्यान से, लिखा आपको रेजिस्टेंस का तो प्रॉब्लम था नहीं, वी नॉट बाई आर नॉट वन, वी नॉट माइनस जीरो बाई आर नॉट टू, जीएम वीजीएस वन एम वन मॉस्फेट का है, ये वो भी आ रहा है, सबको दिख रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वी नॉट वन, वी नॉट अपन आर नॉट वन प्लस वी नॉट अपन आर नॉट टू, ठीक है। अब क्या है, वीजीएस टू माइनस वी नॉट है यार, वीजीएस टू क्या है, माइनस वी नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, अब जी एम टू वी नॉट हो गया, ओके। वीजीएस वन कितना है, वीजीएस वन वी इनपुट इक्वल टू जीरो, इधर जाने वाला है, पता वी आउट के साथ क्या क्या आ गया, बताओ वी आउट के साथ क्या क्या आ गया बताना, सर वन अपॉन आर नॉट वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन आर नॉट टू प्लस जीएम टू, इधर क्या बचा, माइनस जीएम वन वी इनपुट, पता है तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में कैसे होगा, वन अपॉन आर नॉट वन, वन अपॉन आर नॉट टू, ये तो सीधे, अरे इसको वन अपॉन जीएम टू बोलोगे तो पैरेलल नहीं होगा, मैं इसको ऐसा लिखूं, वन अपॉन आर नॉट वन सही है, वन अपॉन आर नॉट टू ये भी सही है, वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन जीएम टू लिख सकता हूं कि ऐसा, तो माइनस जीएम वन वी इनपुट, ये देखो ध्यान से, ये तीनों पैरेलल हुआ, अरे हुआ ना तीनों पैरेलल, पता आपके पास अगर मैं पूरा का पूरा अगर बोलूं कि ये आपके पास इतना है, ये साइड जाएगा आपके पास, ये पूरा का पूरा पैरेलल है, तो वी नॉट अपॉन आर इक्विवेलेंट हुआ, ये सबका पैरेलल इक्वल टू माइनस जीएम वन वी इनपुट हुआ, तो वी नॉट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू कितना है बताना, सर माइनस जीएम वन इंटू आर इक्विवेलेंट। इंटरेस्टिंग बात कि आर इक्विवेलेंट क्या है, सर आर इक्विवेलेंट जो है वो आर नॉट वन पैरेलल, हाँ आर नॉट वन पैरेलल, आर नॉट टू पैरेलल, वन अपॉन जीएम टू, ये आपके पास वोल्टेज गेन है। तो यही वो चार साल से किसी भी एक रैंडम फिगर में बात करते हो, और नॉर्मली इंटीजर में लोग रहते जो हैंडल करते, बाकी सब लोग तो फ्लैट होना ही है। तो आंसर अभी आप देखेंगे कल तक, कल तक किसी भी चीज को आप हैंडल कर लेंगे और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी जिंदगी में अच्छा लगा है ना वो लगेगा। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, अब आप नोट करो,
हेडिंग छोड़ देना बस रेड वाला, बाकी हटा दे। आपको फोकस करना है VGS1 में, आपको फोकस करना है VGS2 में, आपको देखना है कि VGS1 की वैल्यू क्या है, आपको देखना है VGS2 की वैल्यू क्या है। लिखने का स्टाइल जो है वो बड़ा ही गुड रखना, है ना, वो एकदम गुड होना चाहिए। लाइव ऐप में जो रिकॉर्डेड है वो तो अभी पढ़ाई चुका हूं मैं, वही वाला आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, जो मैं क्लास ले ही रहा हूं कंटिन्यूसली, पूरा ओपन हो चुका है, डायोड हो चुका है, बीजेटी के बारे में बात कर चुका हूं और आगे कंटिन्यूसली चल रही है चीज। हम लिखने का जो स्टाइल था उसको बहुत ही अच्छे से दिखते जा रहे कि देखो क्या क्या चीज है, किस तरीके से हमको देखना है, वो सब चीजों को उस वे में लेते जाना है आपको। नोट कर लिया उसको आप, ठीक है। तो कैमरा इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। अभी हो क्या रहा था कि ये हमारे पास था, उसके ऊपर एक लोड लगा हुआ था ये, उस लोड को अगर मैं रिप्लेस करता ऐसे लोड से, और ये था इस फोन, बोलता कि देखो आपके पास ये लोड से रिप्लेस कर दिया आरएल पूरे के पूरे एक्टिव लोड को, ये वी इनपुट था और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर आपके पास एग्जिस्ट कर भी रहा था इस, और यहां पे आपके पास जो था वो जीएम वन था और आर नॉट वन था इस, और ये वी नॉट है। अब पूरा का पूरा जो एक्टिव लोड था आपके पास जो कि सैचुरेशन रीजन में, अगर बोलो इस फिगर के रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो हम बोलते हैं कि जब भी आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, और इस फिगर में अगर मेरे को वोल्टेज गेन की बात की जाए कि वी नॉट अपन वी इनपुट क्या होता है, तो हम बोल देते हैं कि जो इसका जीएम है दैट मीन द जीएम वन और आरएल डेस। अब आरएल डेस की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोल देते हैं कि जो लोड दिख रहा है वो पैरेलल विद, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आरएल पैरेलल विद आर नॉट वन, दिस द रिजल्ट। अगर ये लोड मेरे को पता है, ये तो बेसिक सा है, कल की बात है, ये लोड की वैल्यू मेरे को पता है तो R01 के साथ पैरेलल होगा, R01 नहीं है तो सिर्फ RL आ जाएगा, दिस लोड रेजिस्टेंस पैरेलल विद R01, ये तो हम जानते ही। अब बात ये हो रही थी कि हमारे पास जो MOSFET था ये, उसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर भी था, और मेरे को यहां से सीन करना था, और अगर मैं बोलूं कि यहां पे VDC है, ये VDC है, यहां से करंट IDC फ्लो हो रहा है, और इस जगह पे ये ड्रेन है, और यहां पे ये R02 भी है, ये GM2 भी है,
और ये VGS2 भी, और ये ग्राउंडेड है, और ये VGS2, और मुझे देखना है कि कितना इंपीडेंस होगा इस वाले का जिसमें ड्रेन और गेट आपके पास, ये गेट है, ये ड्रेन है, जीएम VGS2 है, ये VDC और R0 भी लगा हुआ है। तो फिर इस जगह पे मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा, देखो इस जगह पे, ये इस जगह पे जो करंट आ रहा है आपके पास, ये करंट ये आ रहा है, तो इस जगह पे अगर मैं नोड लगा रहा हूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि IDC इनकमिंग है, इज द माइनस IDC, ये जो करंट इनकमिंग है माइनस GM2 VGS2, और एक है VDC माइनस जीरो बाई R02। और मैं सीन करना चाह रहा था इस जगह पे जहां पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर भी है, सिर्फ लोड की बात कर रहा हूं, ये इज द एक्टिव लोड, थोड़े पहले भी बात किया था बट उस समय लैम्डा जीरो लिया था, ये एक्टिव लोड है। अब R0 भी है, ये R0 भी, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया। VGS2 की वैल्यू कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि VGS2 की वैल्यू कितना है इस फिगर में, तो VGS2 की वैल्यू है जीरो माइनस S2, और S2 की वैल्यू VDC, तो सर माइनस VDC है ये, तो यहां से आपके पास IDC साइड चला गया, माइनस प्लस हो गया, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया GM2, और ये VDC आ गया, और ये आ गया आपके पास VDC अपान R02। पता है VDC के साथ क्या क्या आ गया, VD के साथ आ गया 1 अपान R02 प्लस GM2, तो 1 अपान 1 प्लस GM2 ये, और ये आपके पास IDC दिस वन। अगर आप ध्यान देखोगे कि VDC अपन IDC की वैल्यू कितना है, VDC अपन IDC की वैल्यू, ए दिस वन, VDC अपन IDC की वैल्यू देखो जरा ध्यान से कितना है, तो VDC अपन IDC की जो वैल्यू दिख रहा है आपके पास वो क्या दिख रहा है, R02 पैरेलल विद ये 1 अपॉन GM2, R02 इनटू 1 अपॉन GM2, R02 प्लस 1 अपॉन GM2, सॉल्व करने के लिए R02 अपॉन 1 प्लस R02 GM2, ये आपके पास है थेवेनिन दिस वन, ये आप ये भी लिख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज स्टाइल ये। इसका मतलब है कि जब आपके पास R0 नहीं था तो 1 अपॉन GM था, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल लोड है इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा आपके पास ये R02 पैरेलल विद 1 अपॉन GM2, ये आपके पास है, वो तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर नहीं होता, तो R02 के लिए इनफाइनाइट 1 बाय GM लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, और अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है तो R02 भी होगा पैरेलल विद 1 अपॉन GM2, कैसे ये हाउ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसके इंपीडेंस से, इज द VDC अपॉन IDC इज द थेवेनिन इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन GM2 पैरेलल विद R02 है, और R02 की वैल्यू इनफाइनाइट इफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस पूरे के पूरे फिगर को देखो मैं ये लिख सकता था आरएल। अब देखो आपके पास आंसर क्या है, ये पूरा लोड है, ये जो लोड है और ये लोड पैरेलल विद आर नॉट वन होगा। अब इस आरएल की वैल्यू कितना है, इस आरएल की वैल्यू कितना है, इस लोड की वैल्यू, ये जो पूरा रिप्लेस हुआ क्या क्या था, आर नॉट टू पैरेलल विद 1 अपॉन GM2, पता है ये तो सिर्फ लोड हो गया इस वाले का जो एक्टिव लोड से रिप्लेस हुआ, पैरेलल विद क्या था R01, ये तीन चीज का पैरेलल है। तो बहुत ज्यादा जिसको बहुत ज्यादा आइडिया होता है उसको पता होता है कि यार इसका ट्रांसकंडक्टेंस होगा और बाकी ये R01, इसका R02 और इसका 1 अपॉन GM तीनों पैरेलल में होंगे, तो इसका कंक्लूजन। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है गजनी टाइप तो वो इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ लास्ट में और हम बना लेंगे किसी का भी। इसने इस बार में एक्टिव लोड को लिया और मैं बोला कि यार इसमें लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास ये इस जगह पे ये लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है आर नॉट टू ये। तो हम स्टोरी वहां से स्टार्ट किए कि जो फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है आपके पास उसमें रेजिस्टेंस को जब हम लेते हैं रेजिस्टिव लोड को तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात की जाएगी तब बात की जा सकती है कि इन डेप्थ और क्या लिमिटेशन है जब फैब्रिकेशन प्रोसेस की ही बात करते हैं। तब बोले कि एक कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स रिप्लेस कर सकते थे लेकिन वहां पर अपना थोड़ा केयर करने वाली नीड थी वहां पर, क्योंकि फिर वहां पर एंट्रेंस गेन था, मैक्सिमम गेन था एक्चुअली,
करेंट सोर्स ओपन ही हो जाएगा। फिर हम बोले कि एक मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दो ऊपर वाले को, कर दिए रिप्लेस, वो सैचुरेशन में है, ड्रेन और गेट उसका शॉर्ट सर्किटेड है। और ये अरेंजमेंट दिस वन, किस पूरे को हटाया अपन और ये लिखे, अब ये इसको आप हमेशा लिख लो, क्यों? क्योंकि अगर सर चैनल नेम नहीं होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, आर नॉट इज ऑलवेज इनफाइनाइट, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैनल नेम मॉड्यूलेशन तो इनफाइनाइट, वैसे लिखा रहेगा तो इनफाइनाइट, और बात अगर हो रही तो है, इसमें पूरी बात है। सिर्फ उनको क्यों पूछना है, उनको देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जीएम वन जीएम टू में से कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा सामने लिखा होगा, ये उनको देखना होता है। दो जीएम है, और थोड़ी देर पहले तो अगर आर नॉट वन और आर नॉट टू कुछ भी ना हो, आर नॉट वन और आर नॉट टू कुछ भी ना हो तो आर एल डी एसक्यूएल सी वन अपन जीएम टू होगा, आंसर माइनस जीएम वन अपन जीएम टू था। अगर चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर हटा दूं मैं तो आंसर इज माइनस जीएम वन अपन जीएम टू, नहीं क्योंकि लोड सिर्फ वन अपन जीएम टू होगा, एक्टिव लोड। ठीक है, ये नोट कर लिया अपन। मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो आपके पास एक्टिव लोड जो है उसमें ना ये लगा हुआ है, ये वीडीडी, मतलब एक्टिव लोड जो लगा है वो पीमॉस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पीमॉस लगा हुआ है। ये वी नॉट, वी नॉट, ये वी इनपुट, दिस वन। फिर बोला गया है कि ये M2 है, मान लेते हैं M2, ये M1 है, इसमें बोला गया है कि इसका ट्रांसकंडक्टेंस GM1 है, इसका आउट इम्पीडेंस R01 है, तो लैम्डा आ गया। इस वाले का ट्रांसकंडक्टेंस GM2 है और R02 है, तो लैम्डा आ गया ये। अगर हम याद करेंगे तो कोई हमको परेशान कर देगा, एग्जाम एंट्री मारेंगे सब इधर उधर हो जाएगा, याद है इट्स गुड, लेकिन हम किसी भी जगह पे मैनेज कर सके वो इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपके पास जो लगा एक्टिव लोड क्या लगा है? पीमॉस लगा हुआ है, द पीमॉस ट्रांजिस्टर, अभी भी ड्रेन टू गेट शॉर्ट सर्किटेड है, इधर सैचुरेशन रीजन ये क्लियर रहना चाहिए, इधर फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉसफेट जिसमें कि वीडीजी की वैल्यू जीरो है, और वीडीजी की वैल्यू जीरो होती है आपके पास, इसका मतलब है कि वीडीएस ही वीजीएस होता है, इसका मतलब है कि वीडीएस की वैल्यू ओवर ड्राइव वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो मॉसफेट है 100% सैचुरेशन में। तो बोलेगा कि सर अभी तो हम पीमॉस की बात कर रहे हैं, तो फिर ये वीएसडी की वैल्यू लिख देंगे हम यहां पे, वो लिखना नहीं चाहता था मैं, ये वीएसडी की वैल्यू लिख देंगे और ये सोर्स टू गेट हो जाएगा दिस वन। जो होना तो हो गए, तो कल मैं बात भी कर चुका हूं पीमॉस के लिए। अब है क्या कि अगर मेरे को इसको अगर देखना है तो क्या ये भी आंसर वैसे ही एक्टिव लोड से रिप्लेस होगा? कि अगर मैं बोलूं कि ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर अगर मेरे को लिखना है तो मैं बोल दूं सर इसमें क्या करना है, सर आप ये कर दो उसको लोड से रिप्लेस कर दो, उस वाले को सर लोड से रिप्लेस कर दो, आप किस वाले को? ऊपर वाले को, लोड ही तो है वो, उस लोड से रिप्लेस कर दो, उस लोड की वैल्यू क्या होगी? सर आर नॉट टू होगी और पैरेलल विद वन अपॉन जीएम टू होगा, ठीक है ये आपके पास, और ये वी नॉट है। अब आपको लोड भी पता है, इनपुट भी पता है, इसका जीएम वन है और ये आर नॉट वन है, तो फिर वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होगी? माइनस जीएम वन इंटू आर एल डेस। आर एल डेस क्या होगा? वो जो लोड है आर एल, वो पैरेलल होगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। वो लोड है क्या? वो लोड है आर नॉट टू पैरेलल विथ वन अपॉन जीएम टू और पैरेलल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस मॉसफेट एम वन। ये आंसर सर, तो आंसर तो सेम आ गया हाँ, लेकिन बात ये हो रही कि ये तो हम एज्यूम कर लिए कि पीमॉस का भी फिगर वही होता होगा और सब बातें वही है, यही हम एज्यूम किए ना अभी, तो यही हम एज्यूम किए। अब इस एजम्पशन से क्या है कि एजम्पशन सब सही है, जब चीजें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जब नोट करना चालू करते तो कई बार हमारे लिखने का स्टाइल उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता, तो हमको परेशान करना ज्यादा टफ नहीं है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे दो तीन चार मॉसफेट डालेंगे खत्म सब। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पता है, ये सही है, ये पता है, लेकिन कोई बोले कि यार आपने ऐसे मत करो, आप ना उसके अंदर जाओ सॉल्व करो, तो फिर लोग ना पीमॉस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो तो पीमॉस है ना, क्या है वो? पीमॉस। कल याद है अपने को पीमॉस? अब देखो मेरे को सॉल्व करना है उसी पीमॉस को, सॉल्व करना है मेरे को पीमॉस को,
अब ध्यान रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं ये लिख दूंगा हो गया तो सही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं पीमॉस को सोल्व कर रहा हूं, ड्रेन टू गेट आपके पास, ठीक है। अब पीमॉस में होता क्या है कि हमको क्लियर रहना चाहिए कि यार ये सोर्स है, ये गेट, ये सोर्स, ये गेट, ये सोर्स, ये है वी, ये आपके पास सोर्स लेना, वीएसजी लिख रहा हूं ना, तो ये सोर्स वीएसजी लिख रहा हूं, तो वीएसजी टू, पता आपके पास यहां से करंट क्या फ्लो होते हैं, ये जीएम टू और वीएसजी, ये वीएसजी टू, यहां पे क्या वीएसजी वन, यहां पे कितना जीएम वन वीजीएस वन, ये तो एनमॉस है, ये एनमॉस, वो क्या है पीमॉस है, वो लोड आपके पास, तो जीएम टू वीजीएस वीएसजी टू और ये जीएम वन वीजीएस वन। कल तक आपको समझ आएगा कितनी सारा मैं एक्स्ट्रा जो एफर्ट कर रहा हूं किस लिए। तो जीएम वन वीजीएस वन है, ये आपके पास है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आप क्या ये चीज बता सकते हो कि वीजीएस वन क्या है, तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर वीजीएस वन तो अपन बता ही देंगे कि वीजीएस वन क्या है, तो वीजीएस वन तो सर इनपुट के बराबर है, बिल्कुल सही है, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूं कि वीएसजी टू क्या है यार, वीएसजी टू क्या है, तो सर वीएसजी टू में जो सोर्स है वो तो ये वीएस माइनस वीजी टू, वीएस की वैल्यू क्या होगी, सोर्स तो ग्राउंडेड हो जाएगा, हाउ, अरे ड्रेन तो ग्राउंड करोगे आप, वीजी टू की वैल्यू क्या होगी वी नॉट, तो माइनस वी नॉट है पता वी एस जी टू, दिख रहा है आपको ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको फिगर वाइज अगर सॉल्व कर रहा हूं और ये लिख रहा हूं, ये सोर्स, ये गेट, VSG2, ये ग्राउंडेड, ये GM2, VSG2, दिस वन, और यहां पे मैं बोल दिया कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में पैरामीटर भी है, तो फिर इस जगह पे अगर मैं बोल दे रहा हूं कि ये देखो ड्रेन, ये आपके पास सोर्स, इसके बीच में ये R02, ये R02 हो गया इस बीच में, ये V0, इसके बाद इस जगह पे ये ग्राउंडेड, ये आर नॉट वन, ये आर नॉट वन, ये कितना इधर जीएम वन वी इनपुट, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज तो इस वी इनपुट के बराबर ही होगा, ये वीजीएस वन के बराबर। ये अगर मैं इसको सॉल्व करने चालू करूंगा तो भी इसमें सब कुछ वैसे ही होने वाला है। कैसे आपके पास इसको अगर आप सॉल्व करें, देखो वी नॉट अपान आर नॉट वन, ध्यान से रखना एक बार, वी नॉट अपान आर नॉट वन, फिर कितना V0 अपन R02, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखना ये है प्लस GM1 V इनपुट जो उस साइड जाके नेगेटिव बनाता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट तो होना ही है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है तो इनपुट वाला उधर जाएगा तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो अब जो वो बचा है ये देखो, इस जगह पे नोड लगा रहे हो, ये आ रहा है, ये इनकमिंग है, क्या इनकमिंग क्या है, इनकमिंग माइनस GM2 VSG2 इक्वल टू जीरो, चार ब्रांच करंट हो गया। ये जो दिख रहा है आपके पास, ये जो VSG2 दिख रहा है उसकी वैल्यू कितना है बताओ, आपको VSG2 की वैल्यू कितना है, वो लिखा हुआ आपके पास कितना है माइनस V0, ये क्या हो गया प्लस, इसका मतलब है कि V0 के साथ क्या क्या आ गया सर, वन अपान आर नॉट वन, फिर कितना आ गया सर, वन अपान आर नॉट टू, फिर कितना आ गया सर GM2 आ गया, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट, वी नो दैट, तो इस साइड जाएगा इधर माइनस GM1 इनटू V इनपुट, ये नेगेटिव साइन फॉर द 180 डिग्री फेज शिफ्ट, आंसर सेम यस, इधर वोल्टेज गेन V0 अपान V इनपुट माइनस जीएम वन, फिर ये लोड पूरा इस साइड गया पैरेलल होके आर नॉट वन पैरेलल विथ आर नॉट टू पैरेलल विथ वन अपॉन जीएम टू, तो सर रिजल्ट तो सेम है हाँ, लेकिन अगर किसी को ऐसा बता दो और वो हैप्पी हो जाए तो कल एग्जाम में वो हैंडल नहीं कर पाएगा जब वो चाहेंगे, इधर पीमॉस इधर, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं पता होगा, दुनिया में लाखों फिगर का रिजल्ट थोड़ी पता हो सकता है, सिर्फ स्टैंडर्ड चीजों का रिजल्ट पता हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना ना, ऐसे माइंड सेट आपसे खेलते हैं, देखना अभी आप मेरे को क्या चाहिए, ये हमको पता है इट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन मेरे को ये चाहिए कि यार आप पीमॉस में सोर्स टू गेट लिख सके, करेंट जो फ्लो हो रहा है जीएम टू वीएसजी लिख सके, इसलिए मैं बनाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम कहां होती है, जैसे पीमॉस आएगा आप लोग एनमॉस समान लिखना चालू करेंगे, सब इधर उधर होना चालू हो जाएगा।
चलो अभी आपको चेक भी करते हैं, ठीक है, देखते रहना बस। मान लिया आपके पास सेचुरेशन रीजन में, नीचे वाला करंट सेम था आपके पास, मान लिया सेचुरेशन रीजन में, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि करंट सेम है तो सेचुरेशन रीजन है, मान लिया कि हम वो ट्रांजिस्टर जो है सेचुरेशन रीजन में। हाँ नोट क्यों साइड का, ठीक है एक एक करके हटा जाना, कैमरा वही रखना, एक मिनट के लिए कैमरा वही रखना। पैरेलल आना चाहिए राहुल, पैरेलल नहीं आता आपको, आपको नहीं पता कि क्या लिखते करके, तो कोई कुछ नहीं कर सकते। वन बाय आरटीएच इस साइड था, उधर गया तो आरटीएच हो गया बेटा। अब आपको पैरेलल नहीं आता, वन अपन आर इक्विवेलेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पहले क्लास में पढ़ाते थे बीडब्ल्यू में, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, और वैसे भी वोल्टेज गेन आपके पास जब जीएम ट्रांसकंडक्टेंस है तो उसमें रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तभी गेन कॉन्स्टेंट आएगा। किसी को बनापान वाले में प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन लिखने में प्रॉब्लम, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भाई। आराम से देख लेना आप, मैं बोला चलो आपको देते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, एग्जांपल लिया मैं, ठीक है क्या एग्जांपल लिया, ये वी इनपुट ले रहा हूं मैं, ये वी आउट लिया, ये वी भी लिया बायस वैल्यू, ये वीडीडी लिया, देखिए अभी आप क्या क्या सोचते हो करके। ये आपके पास मॉसफेट M1 है, ये GM1, ये R01 सही है, ये M2 लिया, GM2 और R02 है, हमको चाहिए V out upon V input, हमको वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, V out upon V input, ये वोल्टेज गेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, ये हाँ वीवी आपके पास है डीसी बायस, एज्यूम मॉसफेट M1 एंड M2 आर इन सैचुरेशन रीजन, एज्यूम M1 एंड M2 आर इन द सैचुरेशन रीजन, जो डीसी बायस है वो मेंटेन करेगा सैचुरेशन रीजन में। वोल्टेज गेन की बात करें तो सैचुरेशन रीजन इज कंपलसरी, तो गेन की बात कैसे होगी, तो एज्यूम M1 एंड M2 आर इन सैचुरेशन रीजन, 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 ये आपके पास दे दिया गया। क्या लगता है आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएगी वो देख लो आप,
तो याद रखने की कोशिश करने वाला जो चीज है वो रिस्की है, याद कुछ नहीं करना अपने को, जीरो फिगर है। आपको मानना है कि 6 महीने बाद आप इस फिगर को सॉल्व कर रहे हो और आपको वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, तब तो आपके पास कोई प्रीडिफाइंड माइंड में सेटअप नहीं रहेगा। दोनों ही आपके पास एक दिख रहा होगा, आपके पास एक पीमॉस ऊपर लगा हुआ है, एक एनमॉस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड। कोई बाहर है क्या? उसको कॉल कर दे, कहां चला गया? हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपके पास है तो ये बायस जो वोल्टेज है, बायस वीबी जो है, बायस वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैचुरेशन रीजन, लेकिन लिखा रहेगा क्योंकि हमको थोड़ी कोई वैल्यू दी है कि हमको कोई वैल्यू, हम कैसे फिक्स कर देंगे ना कोई सप्लाई वोल्टेज देगा कि उसकी वैल्यू क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, कितना है, तो वो तो देने की जरूरत नहीं, वीबी भी कोई वैल्यू नहीं देगा, तो हमको तो करना नहीं है, नॉर्मल। कैल्शियम बोर्ड ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन, वैसे भी हम गेन की बात कर रहे हैं यार, तो लिख के देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर इस क्वेश्चन है आपके पास और मेरे को अगर सॉल्व करना है तो क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एक चीज तो आपके पास हुआ कि जैसे हम बात करते हैं तो सप्लाई क्या हो जाता है, अरे सप्लाई डीसी तो ग्राउंडेड ही होगा, ये ग्राउंड हो गया, ये डीसी है, पानी बोतल, ये ग्राउंड हुआ, हाँ ये ग्राउंड हुआ, ये पीमॉस है, क्या लिखेंगे अपन यार इसको, जीएम टू, अरे जीएम टू, फिर वीएसजी टू। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या पता, गेट और सोर्स दोनों ही आपके पास क्या पता जीरो है, अरे गेट भी ग्राउंडेड सोर्स भी ग्राउंडेड, पता है ये करंट सोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब जीएम टू नहीं आने वाला है इसमें, क्या नहीं आने वाला है, जीएम टू हुआ कि नहीं हुआ देखो ना यार पहले। अब ये आपके पास इतना है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि बाकी चीजें आपके पास होने वाली है तो बाकी चीजें इस जगह पर आने वाली है, इस जगह पर अगर मैं बोल दूं अपनी स्पेसिस में दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं यहां पर आर नॉट, यहां पर ये आर नॉट टू आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आर नॉट वन आएगा, बिल्कुल आएगा आर नॉट वन, यहां पे ये कितना सर जीएम वीजीएस वन, वीजीएस वन तो यार वी इनपुट होता है, ये वाला सबसे आसान चीज है, ये जीएम वन वी इनपुट, इस जगह पे चार नहीं तीन चीजें आएगी। अब आपके पास रिजल्ट आया वी आउट अपॉन आर नॉट वन, बिल्कुल सही है, वी आउट अपॉन आर नॉट टू, ये भी बिल्कुल सही है, एक तो हमारा आपके पास प्लस सर जीएम वन इज द वी इनपुट, चार नहीं आप तीन टर्म आए, बस चौथा जीरो हो गया, चौथा जीरो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब तो आपको आंसर पता चली गया, क्या वी आउट अपॉन वी इनपुट की जो वैल्यू है 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिल्कुल, माइनस जीएम वन इंटू लोड, क्या पैरेलल, बस ये बेहतरीन बात है, नहीं होगा, अरे होगा ना, ये लिख दिया अपन, इसके अंदर अगर इस तरीके से हम चीजों को हैंडल करें तो हैंडल कर लेंगे, इस तरीके से चीजों को हैंडल करें तो क्या कर लेंगे हम लोग, हैंडल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतनी बात की हम लोग कि अगर हमारे पास एक मॉसफेट, उसके साथ एक और मॉसफेट लगा हुआ है, कैसा भी कॉम्बिनेशन है, हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, डिपेंड करता है कि जो भी दिया हम उसको सॉल्व करने जाएंगे। पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन दूं, गेट 2021 का,
ये आईटी बॉम्बे का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 था। तो पहले आराम से आप फिगर बनाना जैसे बना हुआ। कभी कभी लोग इसको बराबर लाइन से ही बना देते, जैसे एग्जाम में बराबर लाइन से बनता, तो ज्यादा इसमें वरी करने की जरूरत नहीं। जो बना है वो ज्यादा परफेक्ट है, बट फिर भी जे ग्राउंडेड, जे ग्राउंडेड इसको लिखा था वी आउट। इसको लिखा था VDD, इसको लिखा था V इनपुट। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये M2 और ये M1 ऐसा फिगर बना हुआ था। तो पहले तो फिगर बनाती, जो बना था हमारे पास। दोनों PMOS दिख रहे हैं, उनको पता है कि PMOS से डराना, PMOS ही है आपके पास जिससे बहुत फास्ट डराया जा सकता है स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, एकदम पूरा पेज भर जाएगा आपका। तो लिखा था कि इन द सर्किट में द फिगर, हम तो क्वेश्चन लिखना नहीं है। द ट्रांजिस्टर M1 M2 आर ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन। क्यों बोलते हैं सैचुरेशन? थोड़ी आप निकालोगे गिवन, तो अपने को अपने पॉइंट्स नोट करते जाना है। गिवन पहला चीज क्या, M1 M2 सैचुरेशन रीजन, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्टिव लोड नहीं है, नॉर्मल दो मॉस्फेट कनेक्टेड है। फिर बोला था चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर नॉन जीरो। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर्स जो है वो नॉन जीरो है, मतलब λ1 नॉट जीरो, λ2 नॉट जीरो। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर दोनों ही, दोनों नॉट जीरो लिखा हुआ है, ठीक, नॉन जीरो लिखा हुआ था। द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द मॉस्फेट्स M1 एंड M2 आर GM1 एंड GM2। बोला कि जो M1 है उसका जो ट्रांसकंडक्टेंस है M1 का वो GM1 है, और जो ट्रांसकंडक्टेंस है M2 का वो GM2 है, ठीक है, ये बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लिखते लिखते बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉस्फेट M1 M2 आर R01 एंड R02। जो इंटरनल आपके पास रेजिस्टेंस है मॉस्फेट का R01 और R02, यही मुझे λ1 λ2 दे दिया, फिर रेजिस्टेंस लिखने की जरूरत क्या थी, वो तो हो गई, बट फिर भी क्वेश्चन तो इतना बड़ा करना ही है। λ1 λ2 दे दिए, उसके बाद रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, जबकि ये लिख चुका है, तो बात तो हो गई। R01 R02 तो हो गई, R01 और R02 भी लिखा भी था कितना है। फिर बोला इग्नोरिंग द बॉडी इफेक्ट, ठीक है, इग्नोरिंग द बॉडी इफेक्ट, इग्नोरिंग द बॉडी इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट इग्नोर करने को बोल रहा है। बॉडी इफेक्ट अगर इंक्लूड करने को बोल दिया जाए तो अभी तक नहीं इंक्लूड किया, 2022 चल रहे, मैं इंक्लूड करूंगा लेकिन अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, एम्पलीफायर में, इग्नोरिंग द बॉडी इफेक्ट, ठीक है। बोला कि वो वी आउट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू चाहिए, वी आउट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू चाहिए, स्मॉल सिग्नल जो वोल्टेज गेन है, डेल वी आउट अपॉन डेल वी इन की वैल्यू चाहिए था, इसकी वैल्यू कितना होगा। अब ये तो MCQ क्वेश्चन ही होगा बड़ा सा, मैं आपको वो भी लिख देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन में लिखा हुआ था, इसको हटा, ऊपर हेडिंग रहने देना बस, मैं ऑप्शन भी लिख के देता हूं, हाँ बस ऊपर हेडिंग को छोड़ दें, बाकी सब हटा दें। ये क्वेश्चन था आपके पास, हमको बस ये देखना है कि हमको कोई जल्दबाजी नहीं ना, हम 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट क्या प्रॉब्लम है, हम तो सीख रहे हैं अभी, अभी देखना है कि क्या आप ऐसा सीख पाए जैसे अभी हम बात कर रहे थे। मैं ऑप्शन लिखता हूं, उसके पहले तो आप स्टार्ट हो जाना चाहिए, पता है आपको बाकी चीजें, जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे फिगर, जितने अच्छे से बनाओगे 10-15 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा लो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप कैसे सोच रहे हो वो देखना है, मेरे को तो पेपर देना नहीं है। तो ऑप्शन ए जो था वो था -GM2 R01 पैरेलल विथ R02, फिर था -GM2 1/GM1 पैरेलल विथ R02, सी ऑप्शन था -GM1 1/GM2 पैरेलल R01 पैरेलल R02, डी ऑप्शन था -GM2
वन अपॉन जी एम वन पैरेलल आर नॉट वन पैरेलल आर नॉट, ऐसा करके आपके पास जैसे फोर ऑप्शंस थे, ये फोर ऑप्शन, और दो की जगह तीन मिनट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो आराम से लिखो, हमको कैसे भी करके आंसर नहीं पूछना है, तो कल आप नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम का, हमको कैसे भी करके नहीं पूछना है, फुल मैथ्स गुड स्टाइल, दोनों पी मॉस है, सोर्स टू गेट लिखो अच्छे से यार, नीचे M1 है ऊपर वाला M2 है, आराम से लिखो आराम से देखो, जितने भी लाइव क्लासेस वाले स्टूडेंट है आराम से देखो, मैं बोला तो हूं ही नहीं कि कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, सही होना चाहिए, थॉट सही होना चाहिए, नजरिया गुड होना चाहिए, हाँ सॉल्व हो गया, क्या आंसर आ रहे हैं, अरे सॉल्व करो ना, नॉर्मल सॉल्व करो यार, क्या आंसर, डी डी सही है। अब क्वेश्चन ये आपके पास की, ये तो वो आपके पास की हम कितना जानते हैं, और अगर बहुत दिनों बाद सॉल्व कर रहे हैं, दो चार महीने के बाद, तो बेसिक कैलकुलेशन कैसा है हमारा, फर्स्ट आपके पास की, हमारे पास जब बहुत ज्यादा आपको जब समझ आ जाएगा, जब बहुत आपके पास एक स्टाइल बड़ा गुड होगा, उस समय ये कंसेप्ट ये कहते हैं कि पी मॉस है, दोनों पी मॉस है, वी आउट जब लगाओगे तो जो भी करेंट होगा आपके पास चार टर्म्स होंगे, जो सोर्स टू गेट होगा, जो सोर्स टू गेट होगा वो आप अगर ध्यान से देखोगे वी एस जी की वैल्यू लिखोगे और सोर्स टू गेट होगा तो ये सोर्स वी डी डी हो जाएगा और गेट की वैल्यू जो होगी वो वी इनपुट की वैल्यू होगी, ये यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब मैं लिखना चालू करूंगा तो उस वाले का जो जीएम टू होगा वो ये वी इनपुट वाले पार्ट में आ जाएगा, तो यही वाला 180 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है, तो इसमें जो जीएम टू वीजीएस वीएसजी होगा वही वी इनपुट वाला फॉर्म करेगा, तो जीएम टू तो 180 डिग्री में आ गया, तो जीएम टू 180 डिग्री में आ गया, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि तो 180 डिग्री में माइनस जीएम वन है, ये बोल रहा है कि ये 180 डिग्री जीएम वन है, ये बोल रहा है कि ये आपके पास तो जीएम टू में ए भी था बी भी था और डी भी था, तो सी नहीं हो सकता क्योंकि इनपुट जो वो वीएसजी जो है वो इनपुट का है, तो ये आपके पास हो गया ए बी और डी में से। सेकंड चीज आपके पास की बाकी कोई टर्म जीरो हो रहा है कि आपके पास, अगर मैं बोलूं कि वीएसजी में से तो सोर्स जो है वही वी आउट है, आर नॉट वन और आर नॉट टू होने वाले हैं, तो सभी तो टर्म आ गए तो बाकी सब पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये सब कुछ आपके पास पैरेलल में आने वाला है, ये वो आपके पास की ऑब्जर्वेशन बड़ा गुड है। नेक्स्ट चीज आपके पास की मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आपके पास ये तो क्या, हम जब पढ़ते रहते तब हम बहुत फ्लो में रहते हैं,
जब पढ़ते रहते तब हम बड़े फ्लो में रहते, एक समय के बाद ये सब चीजें डरा देगी। अगर मेरे को सिंपली सॉल्व करना है तो मेरा थॉट ये होना चाहिए कि ये आपके पास था, वो क्या हो गया, ये जो सप्लाई है क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ये क्या ऊपर वाले को क्या थे, टू लिखे थे हम लोग, तो ये क्या हो गया, वी एस जी टू, ये हो गया, उसमें से ये वी इनपुट है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लिखने का जो तरीका है वो है आपके पास जीएम टू वी एस जी टू, ये है, उसके बाद दिस वन, ये इसमें आपके पास ये ग्राउंडेड है, ये आपके पास ये, इसमें से भी ये अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास हो गया आर नॉट टू, ये वी आउट, ये आर नॉट वन, मजेदार नहीं है सब चीजें, ऐसा लिखना देखना। ये वैल्यू कितना जीएम वन क्या वी एस जी वन, वी एस जी वन जिसमें से गेट इसका ग्राउंडेड है और सोर्स जो है वो वी आउटपुट है। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि ये क्या है जीएम वन वी एस जी वन, सर ये जीएम वन वी नॉट वी आउट है, क्यों, सोर्स ही तो आउट हो गया, गेट तो ग्राउंडेड है, ये हो गया। इसमें जो जीएम टू वी एस जी टू था, ये जो जीएम टू वी एस जी टू था उसमें से सोर्स तो ग्राउंडेड है और गेट जो है आपके पास वो वी इनपुट है, तो ये कितना हो गया, पता है रिजल्ट कितना है सर, माइनस जीएम टू वी इनपुट माइनस सोर्स टू गेट, सोर्स इज ग्राउंडेड गेट इज इनपुट, ये आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो यार मेरे को नोड लगाना है, ये करंट यहां पे आ रहा है, एक करंट ये आपके पास, अगर मेरे को लिखना है कि सर मैं इसको पहला करंट लिख लेता हूं, सही है, आर नॉट वाले को लिया करो पहले, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है सर, ये पॉजिटिव और चौथा ये नेगेटिव, वी आउट लगा रहे अपन, चार में से तीन पॉजिटिव तीन आउट गएंगे कि इनकमिंग, देखो ध्यान से, तो वी आउट अपन आर नॉट वन, वी आउट अपन आर नॉट वन, ये आउट गोइंग पॉजिटिव वन, फिर वी आउट अपन आर नॉट टू, ये आउट गोइंग पॉजिटिव, एक और आउट गोइंग वाला लिखो सर जीएम वन वी एस जी वन, तो जीएम वन वी आउट वी एस जी वन वी आउट है, ये तीनों आउट गोइंग है, एक इनकमिंग है चौथा वाला जिसकी वैल्यू माइनस जीएम टू वी इनपुट है, इनकमिंग है भैया तो उसका माइनस, और वैल्यू कितनी है उसकी जीएम टू वी इनपुट है, ये तो प्लस हो गया, हाँ हो गया ना, प्लस हो गया, उधर जाके माइनस होगा, छोड़ो उसको, सही है सब, वी आउट की वैल्यू सब प्लस है सर, 180 में तो एक नेगेटिव होता है, उधर जाके जब नेगेटिव होगा वो, अभी सब प्लस इस साइड में, ये जीएम वन हो गया, ये वी आउट के साथ उस साइड जा रहा है वो जो प्लस है, माइनस जीएम टू वी इनपुट, ये आंसर। तो मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूं कि फिर आपका डर खत्म हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी इनपुट माइनस जीएम टू, हमको क्लियर हुआ कि जीएम टू 180 डिग्री के साथ आया क्योंकि वही इनपुट को फॉर्म कर रहा था, बाकी सब पैरेलल में, क्या आर नॉट वन आर नॉट टू पैरेलल विद क्या वन अपॉन जीएम वन। ये कभी कभी क्या हो सकता है कि मैं सॉल्व नहीं करता, मैं बोलता देखो यार वो है वो ऊपर वाला होगा उसका जीएम ले लो नीचे बाकी सबके पैरेलल ले लो, ऐसा बोल के कुछ बातें क्लियर की जा सकती है और कुछ बातें माइंड में रह सकती है और हम हैप्पी भी हो सकते हैं और कुछ के आंसर क्या 80-90% के आंसर भी आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको कोई अगर घेरने की कोशिश करेगा तो घेर ही लेगा, इसमें किसी को डाउट, सबको क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो दो चीज का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, एक बेहतरीन पता होना चाहिए और अगर चीजें कनेक्ट नहीं हो रही तो बेहतरीन कैलकुलेट आना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। कैलकुलेट ना करने की इच्छा हो हवा में खेल लो, और अगर सब भूल गए हो तो भी सॉल्व होके आ जाएगा, अगर दो में से एक ही चीज है तो आसान नहीं है हाई स्कोर करना। कोई प्रॉब्लम, एक सॉल्व करोगे आप, दो एक और, ठीक है तो कॉन्फिडेंस से बोल रहे, यस सर। चलो आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है देखते हैं पापा, वैसे तो मैं इसको कल कराने के प्लान में था, बट ठीक है आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो मेरे को लगा अभी दे देते हैं। क्या था कि ये आपके पास एक M3 MOSFET था, M3 ये MOSFET था, ये VG आपके पास था, तो DC हो गया VG, ये इस साइड में था M2, ये आपके पास हो गया एक M2 MOSFET, M2 जो था वो N चैनल था, ये इससे कनेक्टेड है,
एक नीचे आपके पास था, ये इनपुट, ये ग्राउंडेड, ये वी नॉट, ठीक है, ये कनेक्टेड था, ये वीडीडी, ये एम वन एम टू एम थ्री, एम वन एम टू एम थ्री, देखा मस्त फिगर, आप ही बोले थे अभी। अब क्वेश्चन में क्या गया था ध्यान देखना, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर किसी को मैं कुछ कुछ बता दूं, तरीका बता दूं, कुछ क्वेश्चन बन जाए, वो हैप्पी हो जाए, कुछ बेहतरीन बातें होगी तो निपटना तो है ही। तो मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना हम एकदम फोकस करके चीजों पर है। हमारे पास कैलकुलेशन का स्टाइल बड़ा गुड होना चाहिए, तो कितनी भी टफ सिचुएशन आई थी, यस वी विल। अभी क्वेश्चन में क्या गया था, ये आपके पास था गेट 2016 का क्वेश्चन। अगर आप ये सॉल्व कर लिए ना तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही मजा आएगा। क्लास के बाद ही एक दो लोगों को कॉल लगा दोगे। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम लोगों को रिस्पॉन्ड भी अच्छा करते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोग मैसेज करके रखे होंगे जिनका रिप्लाई नहीं किए होंगे, चलो आज कर देते करके। अब क्वेश्चन में क्या था, इन द सर्किट शो इन द फिगर, ध्यान से सुनना आपके पास। अपन तो द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ऑफ ऑल द ट्रांजिस्टर इज नॉन जीरो, तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो है वो सभी ट्रांजिस्टर के नॉन जीरो। इसका मतलब है कि यार लैम्डा, अगर मैं लिख दूं कि लैम्डा वन नॉट जीरो तो इसका आर नॉट वन होगा, मतलब ये मतलब हुआ। लैम्डा टू नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऑल ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट इन सैचुरेशन, क्यों? अरे भी यार आप कहां देखते रहोगे सैचुरेशन बैठ के, पूरा पेपर निकल जाएगा, तीन घंटा निकल जाएगा, थोड़ी सैचुरेशन देखते रहोगे। वैसे भी हम गेन पूछने वाले हैं तो और क्या चेक करोगे आप, सबको क्लियर है बार बार। तो आपको लिखना चाहिए गिवन में एम वन एम टू एम थ्री आर इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल बॉडी इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट नेग्लिजिबल। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो आप ईडीसी में जब पढ़ोगे आपके पास तो बॉडी इफेक्ट सबसे टॉप मोस्ट कंसेप्ट होगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की बात। तो बॉडी इफेक्ट नेग्लेक्टेड, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन आपको फाइंड आउट करना है वी आउट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू, बोला गया था आपके पास कि वी आउट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट करो। और ऑप्शन बी लिख देता हूं, मैं लिख दूं ऑप्शन बी लिख देता हूं, माइनस जीएम वन। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन सेल्फ ले लोगे, तो लिखो आप आर नॉट वन आर नॉट टू पैरेलल विद आर नॉट थ्री, तीनों पैरेलल, फिर माइनस जीएम वन आर नॉट वन पैरेलल विद वन अपॉन जीएम थ्री पैरेलल आर नॉट थ्री, ठीक है, सी माइनस जीएम वन, तो माइनस जीएम वन कॉमन था, आर नॉट वन पैरेलल विथ वन अपॉन जी एम टू पैरेलल विथ आर नॉट टू पैरेलल विथ आर नॉट थ्री, ये डी ऑप्शन, माइनस जी एम वन आर नॉट वन पैरेलल विथ वन अपॉन जी एम थ्री पैरेलल आर नॉट थ्री पैरेलल आर नॉट टू, दिस वन, ये मेरे को लगता है कि आप किसी को जस्टिफाई करता हुआ आंसर दोगे। स्टाइल आपको सब पता है और कोई हाइब्रिड की जरूरत नहीं है। देखो एनमॉस वाले दो और एक पीमॉस वाला है, हेलो एनमॉस दो और एक पीमॉस, एनमॉस मतलब वीजीएस और पीमॉस मतलब वीएसजी, सप्लाई ग्राउंड, कोई भी डीसी सप्लाई हो चाहे वीडीडी हो चाहे वीजीओ, तो डीसी इज ग्राउंडेड इन केस ऑफ एसी एनालिसिस। तो मस्त एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, करंट वगैरह लिखेंगे और सबका रेजिस्टेंस भी है क्योंकि सबके चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर नॉन जीरो है।
और कोई जल्दबाजी में ना रहे, हाँ बड़े आराम से लिखे। अगर आपका आंसर, अगर आपको लगता है कि ये मेरे को लग रहा है ये होना चाहिए, तो उस बात को और आगे बढ़ा लो मैथमेटिकली। अगर आपको कोई बात लग रही है और आपके पास 2 मिनट और है अभी, तो उस बात को जस्टिफाई कर लो खुद के लिए। कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा सी, दानिश कुमार मिश्रा बोल रहा डी। हमको कैलकुलेट करते आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी हम कंसेप्ट ये सीखे हैं कि एक नया जब फिगर बनाएंगे, नया फिगर तो बनाएंगे ये, तो फिर इस फिगर में लिखेंगे तो इसको ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है सर, ये ग्राउंड हो गया, इसका जो गेट है ये भी ग्राउंड हो गया, वीडीडी ये भी वीडीडी ग्राउंड हो गया। तो इसका जो वी एम थ्री है, वी एस जी थ्री तो जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि जीएम थ्री वी एस जी थ्री तो जीरो है, नहीं है ना, सही है। इसमें आपके पास जो होगा वो होगा जीएम टू वी जी एस टू। इसमें से जो गेट है वो ग्राउंडेड है और सोर्स आपके पास ये, और ये आउटपुट है, ये वी जी एस टू है, ये वी जी एस वन है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है आपके पास कि आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बोलो कि वीजीएस वन कितना है, तो आप बोल रहे कि वी इनपुट है, ठीक है। वीजीएस टू कितना है, गेट ग्राउंडेड है और सोर्स जो है वी आउट है, तो माइनस वी नॉट हो गया ये, और वी एस जी थ्री की वैल्यू जीरो है। इतनी चीजें पता कर ली होंगी आप लोग, एक इनपुट, एक माइनस आउटपुट और एक जीरो। ये इंटरेस्टिंग बात ये आपके पास कि यहां से आपके पास जो है ये आर नॉट है, आर नॉट टू यार, ये आर नॉट थ्री, ये आर नॉट वन, ये और ये आपके पास है जीएम वन वी इनपुट जो 180 डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ पता है, ऊपर पूरा का पूरा लोड के समान ही बिहेव कर रहा, अगर ध्यान से देखा जाए तो। नहीं वैसे तो आपके पास सैचुरेशन रीजन में दिख रहा होगा, फिर लिखा था आपके पास एम वन एम टू एम थ्री, ये सैचुरेशन रीजन एम टू तो है, ड्रेन टू गेट शॉर्ट सर्किटेड है ही, फिर भी लिख देते हैं लोग, डोंट वरी फॉर दैट। अब मैं बोल रहा हूं अगर वी नॉट पे नोट लगाना है तो बहुत सारी चीजें, एक तो हो गया यार ये वी नॉट अपॉन आर नॉट वन, बिल्कुल सही, एक वी नॉट माइनस जीरो क्योंकि वो ग्राउंडेड है, आर नॉट टू, ओके। फिर सर वी नॉट माइनस जीरो बाई आर नॉट थ्री, तीनों चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के कारण तीन टर्म तो ये हो गए। अब सबके वीजीएस वाले, एक आपके पास जो जीएम वन था, इस जगह पे जब नोट ले रहा हूं प्लस 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 आउटगोइंग जीएम वन इनटू वी इनपुट, ये आउटगोइंग है, बट ये जो है आपके पास ये करंट, ये इस जगह पे ये करंट, ये तो जीरो आ रहा था यार, ये जो करंट इनकमिंग है, ये जो करंट इनकमिंग है वो जीरो है, तो एक जीरो जो है वो भी जीरो लिख देता हूं इनकमिंग, और दूसरा जो इनकमिंग है वह है माइनस जीएम टू वीजीएस टू इक्वल टू जीरो। छह टर्म है टोटल, जीएम के तीन टर्म, आर नॉट के तीन टर्म, टोटल छह में से एक जीरो, बिकॉज वो पी मॉस वाले में वीएसजी जीरो है, बचे पांच में से चार आउटगोइंग और एक इनकमिंग। जो इनकमिंग है वो नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका जो वीजीएस टू है वो माइनस वी नॉट है, इसलिए जो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बाद में। तो आपके पास टोटल चार टर्म हो गए जो वी नॉट के साथ में आ गए, वन अपान आर नॉट वन प्लस वन अपान आर नॉट टू प्लस वन अपान आर नॉट थ्री, और ये आ गया जीएम टू, और 180 डिग्री फेस शिफ्ट करने के लिए गया इस साइड माइनस जीएम वन वी इनपुट। दिस नेगेटिव टर्म रिप्रेजेंट द 180 डिग्री फेस शिफ्ट, द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो आंसर तो आ चुका है यार, वी नॉट अपान वी इनपुट की वैल्यू क्या सर, माइनस जीएम वन, बाकी सब सर पैरेलल। तो क्या आंसर आ रहा था,
आर नॉट वन पैरेलल विथ आर नॉट टू पैरेलल विथ आर नॉट थ्री पैरेलल विथ वन अपॉन जीएम टू। तो कितना आंसर आ रहा था? सी आंसर। अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है? अच्छा पढ़ाता हूं ना, आपसे नहीं हो पाता है कभी। क्लियर है आपको? तो देखो हम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रैंडम सर्किट को हम कुछ चीजें जनरलाइज है तो सेकंड्स में आंसर दे देंगे। जैसे थोड़ी देर पहले 21 वाला क्वेश्चन था, 21 वाला क्वेश्चन था, कुछ जनरलाइज बातें है तो बिल्कुल आपके पास ओवरऑल करंट के फॉर्म में चीजें हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत फास्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। सिर्फ आपको सबके गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पता हो, इनकेस ऑफ एनमॉस और इनकेस ऑफ पीमॉस वीएसजी की वैल्यू पता हो, आपका काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, आगे सॉल्व हो गया होगा तो ऑप्शन सी आंसर सही था, जिनका भी आंसर सी आया होगा। ठीक है, और दिया जाए सोचने को। ठीक है, ठीक है, तो आपकी अग्नि परीक्षा भी लेंगे। ट्वेंटी में एक आईआईटी दिल्ली से जो क्वेश्चन था उसकी बात करता हूं मैं। वापस आ जाता हूं वहीं पे, एक कैमरा, हाँ कैमरा वही रखो अभी, ठीक है एक बार देख लीजिए इधर, कैमरा यही रखना, उसके बाद फिर मेरे साइड ट्रांसफर हो जाता है। एक क्वेश्चन लेता हूं आपके पास, सर बीजेटी से भी अच्छा लग रहा है, इसलिए तो मैं बीजेटी का मेरा मन ही नहीं है, अभी आएंगे बीजेटी पे, वो तो पढ़ना ही है। कैमरा चेंज इस साइड ला जाते, ये आज का क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं बोल रहा हूं गेट 2020 आईआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है एकदम ध्यान से देखना, इसमें जरूरत पड़ेगी आपके गुड कैलकुलेशन की और गुड फोकस होने की। क्या था आपके पास फिगर देखना, ऐसा बना हुआ था एनमॉस, ये टर्मिनल बना था, ये आर लिखा हुआ था और ये वीडीडी, ठीक है एकदम ध्यान से देखना, और ये गेट टर्मिनल और ये ग्राउंडेड था, ठीक है सर। बोला ये जीएम भी दे दिया इसका और आरडीएस लिखा था, बोला इसके स्मॉल सिग्नल स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्मॉल लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ द मॉस डिवाइस द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, बोला नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, आरडीएस हुई आपके पास ड्रेन रेजिस्टेंस स्मॉल आर नॉट की जगह आरडीएस, बोला कि नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए करके, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये चाहिए। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर मैं आपको बोलूं तो यार आप कहां से सीन कर रहे होंगे, ये तो ग्राउंडेड है गेट, दिख रहा है सीन, दिख रहा है वो डॉट, यहां से सीन कर रहे होंगे जैसे हम उसमें भी कर रहे थे, हमारे पास डायोड कनेक्टेड जो मॉस ट्रांजिस्टर था हमारा, यहां से आपको सीन करना है, यहां से आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस एक ही होता है यार, अभी तो निकाले अपन आरटीएच वीडी से अपन आरडीसी, तो आरटीएच और आरएन थोड़ी को डिफरेंस होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो थेवेनिन बोलो मत बोलो सिर्फ रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है सब, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं ऑप्शन लिखता हूं जो फोर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो था वो आरडीएस प्लस आर था, आरडीएस प्लस आर था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो था वो था आरडीएस प्लस आर अपॉन वन प्लस जीएम आरडीएस, थर्ड ऑप्शन था आरडीएस प्लस आर प्लस जीएम आरडीएस आर, लास्ट ऑप्शन था आरडीएस प्लस वन बाय जीएम प्लस आर, ये था आपके पास फोर ऑप्शन। बोला नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी गुड क्रिएटिविटी बेसिक वे में गुड कैलकुलेशन कंसेप्ट तो वही जो हम जानते हैं, ये फिगर आपके सामने दिए। आरडीएस क्या है यहां पे, आरडीएस मतलब आर नॉट यार, आरडीएस मतलब आर नॉट,
चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर के कारण जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ द मॉस डिवाइस करके सब बोल दिया था, तो बाय डिफॉल्ट एम्पलीफायर का मतलब ही हो गया। वैसे मैक्सिमम लोग लिख देते कि सैचुरेशन रीजन में नहीं लिखा था, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। आरडीएस की वैल्यू कैपिटल, आपके पास आरडीएस की वैल्यू आर नॉट, थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ सकता है, इट्स ओके। कुछ आया क्या कि जद्दोजहद चालू है? आप ही इतना एक्साइटेड थे, थोड़ा सा ट्राई करो, सब कुछ आप जानते हो, बस आपको क्या निकालना है। यहां एक वोल्टेज मान ली होंगे, सही है, यहां से एक करंट फ्लो करा दी होंगे, सही है, उसका रेशियो निकालना, यह भी सही है। कुछ लोग बोल रहे कि बी आएगा, आरडीएस प्लस आर अपन वन प्लस जीएम आरडीएस। देखो इतना तो आप कर ही लिए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट यहां से इनपुट से जीरो, गेट करंट इज ऑलवेज जीरो। यहां पे आप कर लिए होंगे कि
सर ये है, ये आपके पास हो गया जीएम वीजीएस, ये आरडीएस, ये आप कर लिए होंगे, ये वीडीसी, और यहां से करेंट आईडीसी, ये भी कर लिए होंगे। हाँ, फिर ये आर था, ये आर ही प्रॉब्लम किया होगा थोड़ा सा, और ये ग्राउंडेड, और ये तो ग्राउंडेड था, दिस वन, ये तो स्टाइल। वीजीएस की वैल्यू कितना होगा, गेट ग्राउंडेड, वीजीएस की वैल्यू जीरो माइनस वीएस, वीएस वीडीसी है, माइनस वीडीसी एक्चुअली, नहीं वीजीएस माइनस वीडीसी, ये भी आपको पता है, वीजीएस माइनस वीडीसी ये भी पता है आपको, ये फिगर वीडीसी अपन आईडीसी का रेशियो फाइंड आउट करना है। यहां पे आपके पास ये करंट जो है वो इनकमिंग करंट है, आईडीसी भी इनकमिंग करंट है, और ये बस इस जगह पे जो वैल्यू आपके पास, ये जो वैल्यू है इस जगह पे, ये यहां का वोल्टेज आपको नहीं पता, वो ग्राउंडेड नहीं है, आर लगा ना यार, हमेशा ग्राउंडेड होता था, फटाफट फटाफट अपन करते थे, बहुत मजेदार कर रहे थे, मजा आ रहा था बहुत, अरे ग्राउंडेड था ना सब, फटाफट नोट लगा रहे थे, कुछ इधर उधर था नहीं। अब ये वोल्टेज आपके पास अननोन था, ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा दिया होगा, बस इतना ही है, इसको हटाओ यार। तो देखो क्या किया आप, कितने पास इतना बड़ा सा सर्किट सॉल्व कर लिया, नहीं फिर सर्किट को छोटा कर दिया गया। तो मतलब कि प्रॉब्लम सबको समझ आया, कहां पे प्रॉब्लम है, वो ग्राउंड नहीं है ना, आर लगा हुआ ना, अगर आर नहीं होता फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो फटाफट बात करते, नोट लगाते, अभी तक सॉल्व भी हो चुका रहता, अभी आर है तो उसी को मैनेज करना था, यही मतलब हुआ। इस वाले को अगर आप वीएक्स मान लो कि सर ये वीएक्स है सर, तो फिर इस जगह को अगर आप वीएक्स मान लो तो क्या होगा सर, वीएक्स माइनस जीरो बाई आर होगा और सर प्लस जीएम वीजीएस होगा। हाँ मतलब सर वीएक्स बाई आर होगा, वीजीएस की वैल्यू कितना है सर, वीडीसी माइनस वीडीसी, तो माइनस जीएम वीडीसी होगा। तो वीएक्स की वैल्यू कितना है, वीएक्स की वैल्यू आ रहा है सर जीएम वीडीसी आर, इक्वेशन नंबर वन। अब लगाते हैं अपनी बारी जो आपको पसंद है सर, वीडीसी माइनस वीएक्स डिवाइड बाय आरडीएस, ठीक है पहला करें, और दूसरा इनकमिंग है जीएम वीजीएस माइनस जीएम वीजीएस माइनस जीएम वीजीएस इनकमिंग है, तीसरा आईडीसी भी इनकमिंग है, चलो आईडीसी को तरह ले जा लेंगे। तो वीडीसी माइनस वीएक्स, और वीएक्स की वैल्यू कितना है पता है, जीएम वीडीसी क्या हो गया, अच्छा थर्ड करंट नहीं लिया ना मैं, दो ही लिया ना मैं, क्या नहीं लिया मैं, वीएक्स माइनस वीडीसी बाय आरडीएस, ये इक्वल टू जीरो, ये नहीं लिखा था ना, तो वीएक्स बाई आर माइनस जीएम वीडीसी प्लस वीएक्स बाई आरडीएस माइनस वीडीसी बाई आरडीएस। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो वीएक्स के साथ क्या क्या आ गया, इस साइड में वीएक्स के साथ आ गया वन बाई आर प्लस वन बाई आरडीसी, मतलब आरडीसी में तो आरडीएस आरडीएस, और यहां से कितना आ गया जीएम वीडीसी उस साइड गया, तो वीडीसी के साथ क्या क्या आ गया, इस साइड वीडीसी के साथ जीएम प्लस वन अपॉन आरडीएस, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, किस साइड लिख लेते अपन, ये वाला टर्म सही है, वीडीसी माइनस तो वीडीसी बाय आरडीएस माइनस वीएक्स अपॉन आरडीएस प्लस जीएम वीडीसी इक्वल टू आईडीसी, ये इसका मतलब इस जगह पे आपके पास एक नोड इक्वेशन हुआ पहला, और इस जगह पे हुआ दूसरा, टू नोड इक्वेशन, दोनों जैसे आप नेटवर्क में सॉल्व करते हैं, आपको वीएक्स को हटाना है, वीडीसी बाय आईडीसी निकालना है, तो वहां से जो वीएक्स की वैल्यू निकलेगी वो यहां पुट करेंगे,
अगर मैं बोल रहा हूं कि जगह पे हूं और Vx के साथ आपके पास जो वा आर और तरीका आपके पास दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो ये आर डी एस प्लस आर हुआ, ये इस साइड में कितना हुआ वी डी सी जी एम आर डी एस प्लस वन अपॉन आर डी एस कैंसिल आउट, ये तो Vx की वैल्यू आर जी एम आर डी एस प्लस वन अपॉन आर प्लस आर डी एस, ये वी डी सी, ये इस वाले पे क्या क्या आपके पास टर्म था, इस वाले पे जब नोड लगाए थे तो वीडीसी माइनस वीएक्स था आपके पास और माइनस जीएम वीजीएस था ये, और उसके बाद आईडीसी, तो वीडीएस की जो वैल्यू थी हमारे पास इस जगह पे आईडीसी इक्वल टू, तो आईडीसी इक्वल टू आपके पास रिजल्ट क्या क्या था, तो वीडीएस की वैल्यू क्या क्या था वन बाई आरडीएस प्लस जीएम ये और माइनस वीएक्स अपन आरडीएस था ये, ऐसे था क्या, चेक करूं यही था। इस Vx की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं और फिर VDC को आपके पास ये ले लूं, वन बाय RDS प्लस जीएम आर प्लस आरडीएस और ये आरडीएस, तो आरडीएस एलसीएम हुआ, आर प्लस आरडीएस यहां आ गया, इस वाली जगह पे जीएम आरडीएस आ गया और आर प्लस आरडीएस आ गया ये, प्लस आर प्लस आरडीएस ये आ गया आपके पास, तो ये माइनस था माइनस आर आ गया माइनस जीएम आरडीएस इंटू आर आ गया ये, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, दिस वन जीएम आरडीएस आर से जीएम आरडीएस आर कैंसिल आउट हुआ, यहां से क्या क्या बच गया आपके पास, आईडीसी इक्वल टू वीडीसी एक टर्म बच गया यहां पे, जीएम आरडीसी स्क्वायर बच गया, इतना बच रहा है प्लस आरडीएस, ये नीचे क्या था आरडीएस और आर प्लस आरडीएस, ये आरडीएस से डिवाइड किया तो फिर आंसर क्या क्या हो गया आपके पास, वीडीसी के साथ बच गया जीएम आरडी जीएम आरडीएस और वन, और ये बच गया आर प्लस आरडीएस ये, तो वीडीसी अपन आरडीसी का रेशियो कितना हो गया, वीडीसी अपन आरडीसी का रेशियो जो रेजिस्टेंस आप देख रहे थे उसका आंसर हो गया आर प्लस आरडीएस अपॉन वन प्लस जीएम आरडीएस, चेक करो एक बार इतना आ रहा है क्या, दो जैसे नेटवर्क सॉल्व करते वैसे सॉल्व किए, एक वैल्यू को दूसरे में पुट किए, बड़ा सा एक्सप्रेशन था क्योंकि सब रेजिस्टेंस थे, कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो बड़े बड़े टर्म इसलिए क्योंकि सब रार आर आर इतनी सारी चीजें लिखोगे तो बड़ा ही हो जाएगा, इतना आ रहा होगा, चेक करो आंसर था इसमें क्या, आंसर था बी बॉम्बे,
देखो जरा ध्यान से, तभी हम क्या किए कि नोट लगाए, तरीका कुछ भी हो सकता था, कैलकुलेशन का तरीका तो हम पे डिपेंड करता है। पहले मैं नॉर्मल जैसे एक नेटवर्क में सॉल्व करते हैं, दो जगह पे नोट लगाए, एक अननोन को रिप्लेस किया और एक वैल्यू पुट किया, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, बिकॉज सब बड़े बड़े नंबर थे आपके पास, आर आर जी एम आर डी एस कैपिटल आर सब था, तो कैमरा यही रखना। तो जैसे आपके पास आर के कारण ही कैलकुलेशन इतना सारा हुआ, कैपिटल आर नहीं होता तो कैलकुलेशन नहीं होता, कैपिटल अगर आर नहीं होता तो कैलकुलेशन इतना नहीं होता, सिंपली आपके पास नोट लगा दिया जिसके कारण दो एक्स्ट्रा नोट की जरूरत पड़ गई, इस आर के कारण एक्स्ट्रा नोट की जरूरत पड़ गई। तुमको जस्ट क्लियर है कि बोला था कि सीन बताओ नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो नॉट और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपके पास जो भी होगा इस जगह से सीन कर लिया। आरडीएस नहीं होता, आरडीएस इनफाइनाइट होता तो और भी चीजें आसान हो जाती, तो आपके पास सिंपल दिख जाता। आरडीएस अगर इनफाइनाइट होता आपके पास तो वीडीसी पर आरडीसी का जो रिजल्ट हो जाता 1 बाई जी एम आ जाता, नहीं कितना आ जाता 1 बाई जी एम, आरडीसी नहीं होता तो ऊपर से आर लगा दिए तो आरडीसी का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया उस आर के कारण, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, इज गुड। रिप्लेस करना था आपको एक वैल्यू उसको दूसरे में, तो कंसेप्ट नहीं था कैलकुलेशन का। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको आती है तो आपको क्लियर है कि भैया हम तो कैलकुलेट किए नॉर्मल जैसे सॉल्व करते सब कुछ वही किए, कंसेप्ट वही था, लिखने का तरीका था सब कुछ वही लिखे, कैलकुलेशन ज्यादा दिखा क्योंकि अननोन स्टेप के दिख रहे थे सब कुछ और वैल्यूज को पुट करना पड़ा, ठीक है। हाँ फिर गायब हो गया, बार बार गायब कैसे हो जाते यार, ठीक है चलो नेक्स्ट बात करता हूँ। रविंद्र उसको समीर को बोलो कि भैया उसको रख रहे हो ना तो वो मतलब एक समय में एक ही काम करे, वो घूमने फिरने कहाँ चले जाते हैं, मतलब मूवी थिएटर में थोड़ी काम कर रहे हैं कि थोड़ी देर रुका फिर मूवी का एक सीन देख के आया फिर आया, उसको समीर को बोलो। चलो नेक्स्ट आपके पास इस बार 2022 का लेता हूँ, ठीक है सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ, गेट 2022 का एक क्वेश्चन लेता हूँ, थॉट लेना। मैं बेस्ट ट्राई करता, मेरे को लगता है कि बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, वो तो आप इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखा रहे थे तो इसलिए बोला ठीक है। देखने से बहुत आसान लग रहा था, एक ही तो था, ठीक है। 2022 का जो क्वेश्चन था इस साल का, उसमें क्या था मैं फिगर पहले बना देता हूं, एक सिंगल मॉस्फेट था, एक एसी सिग्नल वीआई, एक डीसी वीजीजी, एक वीआई, ये ग्राउंड, फिर ये सोर्स
टू किलो हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखना। तो कहाँ घूमते रहते हैं बार बार, उसको हटा दे भाई। ये वीडीडी था, ये 4 किलो, ये 4 किलो में 2 किलो और ए और बी ऐसा लिखा हुआ था, ये एग्जैक्टली ये फिगर था आपके पास। अब क्या था, लिखा था कि कंसीडर द सर्किट शोन विथ एन आइडियल लॉन्ग चैनल एनमॉस एनहेंसमेंट मोड, सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू सोर्स, ऐसा लिखा था। अब आपको इंटरनल स्टोरेज नहीं पता तो आपको इसका मीनिंग नहीं पता चल सकता कि सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द सोर्स, इसका मतलब बॉडी इज कनेक्टेड टू सोर्स, तो बॉडी इफेक्ट नहीं होता इससे, जब बॉडी इफेक्ट पड़ोगे तो ठीक है, वैसे भी उसको यूज नहीं करते, लेकिन जो सबस्ट्रेट होता आपके पास जो बॉडी था वो सोर्स से कनेक्टेड, तो उसमें बॉडी इफेक्ट नहीं होता। द ट्रांजिस्टर इज एप्रोप्रिएटली बायस्ड इन द सैचुरेशन रीजन, तो ठीक है भाई, तो गिवन ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, हमारा जो ट्रांजिस्टर है मॉसफेट मॉस ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन रीजन गिवन विथ वीजीजी एंड वीडीडी, इसकी जो एप्रोप्रिएट वैल्यू सब सेट है सच दैट इट एक्ट एस ए लीनियर एम्पलीफायर, ठीक है। तो बोला था कि हमारा जो मॉसफेट है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है मॉस ट्रांजिस्टर, वो सैचुरेशन में कर रहा है, वीजीजी और वीडीडी लगा वैल्यू हम दे नहीं रहे, आपकी जरूरत नहीं, वो सब एप्रोप्रिएट है, वो लीनियर एम्पलीफायर के समान बिहेव कर, यही मतलब होता है एम्पलीफायर का, तो ठीक। बड़ी स्टोरी लिखते हो लोग, जबकि जरूरत नहीं, सीधे पूछो ये निकालो वो निकालो, लेकिन स्टोरी लिखते, स्टोरी लिखने से क्या होता है क्वेश्चन का जो है वो वेट बढ़ना चालू हो जाता। वीआई जो है स्मॉल सिग्नल एसी इनपुट सिग्नल है, और वी और वीबी रिप्रेजेंट द स्मॉल सिग्नल वोल्टेजेस एट द नोड ए एंड बी है, तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वीआई है और आउटपुट के दो वोल्टेजेस एक ए और एक बी। स्मॉल सिग्नल आउटपुट वोल्टेजेस क्या क्या, ए और बी है, तो दो आउटपुट वोल्टेजेस लिखा है, ए पे एक आउटपुट वोल्टेज और एक बी पे आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज दिख रहा है आपको, वीआई इज द इनपुट वोल्टेज। बोला आप क्या करो कि वीए अपॉन वीबी की वैल्यू निकालो, क्या वैल्यू निकालो आपके पास, वीए अपॉन वीबी की वैल्यू, ये वी अपॉन वीबी एज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, हमको चाहिए वी अपॉन वीबी, वी इज द एसी आउटपुट वोल्टेज, ये एसी इनपुट है, लिखा था कि ये एसी इनपुट है, और दो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है एसी आउटपुट वोल्टेज, एसी आउटपुट ये एसी आउटपुट, आप क्या करो दोनों आउटपुट वोल्टेज का रेशियो बता दो वी अपॉन वीबी। चलो मैं देखना चाहता हूं कि आप सोचते कैसे हो इस जगह पे, अगर मैं बोलूं कि आपको अगर सोचने को बोलूं कि सोचते कैसे हो तो सोच लो जरा एक बार आप,
कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको उठा दे स्पीकर, नॉर्मली सॉल्व करो जैसे हम जानते हैं, जैसे हम तो एक फिगर को जैसे हैंडल करना जानते ही। कितना आ रहा है? माइनस टू आ रहा है, माइनस टू ही आंसर था इसका। माइनस टू आंसर था इसका। दस साल का क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन को मेरे देखने का नजरिया बड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी तो हम पढ़े नहीं। जैसे मेरे देखने का नजरिया ये है कि ए से जब निकाल रहे तो कॉमन सोर्स है, और जब बी से निकाल रहे तो कॉमन ड्रेन है, तो कॉमन सोर्स अपन कॉमन ड्रेन। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक तो हम कॉमन ड्रेन पे पहुंचे भी नहीं है। ये मतलब कॉमन सोर्स है, ड्रेन से आउट ले रहे, सोर्स से आउट ले रहे, इसको कॉमन ड्रेन बोलते हैं। तो कॉमन ड्रेन अपन कॉमन सोर्स अभी। और अगर हम कुछ भी नहीं जानते तो भी कोई सुनी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं जानते हम लोग, वैरायटी ऑफ थिंग। तो बिल्कुल बेसिक चीज है कि जब भी मेरे को एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करना होगा, वीजीजी क्या हो जाएगा, ग्राउंड, सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्राउंड, जीएम वीजीएस अपन लगाएंगे। तो सिंपल, अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये इनपुट है आपके पास, ये दिस वन, ये करेंट कितना, जीरो, कितना रेजिस्टेंस था, 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये कितना था वीबी, ये जीएम वीजीएस, ये वीजीएस है क्योंकि ये सोर्स है यार, जीएम वीजीएस है, ये वी इनपुट, ये, और यहां से 4 किलो ओम, ये वीए, ये भी जीएम वीजीएस, ये 4 किलो ओम, ये क्या ग्राउंडेड। ऐसे क्यों होंगे, आप वीए पे नोड लगाए होंगे तो VA माइनस 0/4 आया होगा, और एक आउटगोइंग आया होगा जिसकी वैल्यू कितना आया होगा, GM VGS। तो अगर आप VA की बात अगर कर रहे हो तो माइनस 4 GM VGS आया होगा, और अगर आप VB पे नोट लगाया होंगे तो VB माइनस 0/2, और ये इनकमिंग ना, ये इसमें इनकमिंग, तो माइनस GM VGS इनकमिंग, तो VB की वैल्यू कितना, 2 GM VGS। क्या पूछा था आपसे, V अपॉन VB डिवाइड किया, GM VGS कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 का आंसर था इस क्वेश्चन का, और एग्जैक्टली सही है। जितने बेहतरीन लोग थे उनका ये आंसर था सही था। तो इंपॉर्टेंट चीजें हमको क्या बताओ, क्या पूछने वाले हैं, हमारा तो अपना कंसेप्ट, अपना कॉन्फिडेंस बहुत सही होना चाहिए। हमको क्या पता क्या पूछेंगे, ये हुआ नॉर्मल। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जब मैं बोलना चालू किया था तो मेरे को जैसे अपना स्टाइल, मेरे को पता है कि वो कॉमन ड्रेन है, वो कॉमन सोर्स है, इट्स ओके। किसी को ना भी पता उसे क्या करना है, तो जितने देर में मैं बोलूंगा उतने देर में कोई सॉल्व भी कर लिया। तो मेरे को ये चाहिए कि हमको जीरो रिजल्ट पता है तो भी हम कुछ सेकेंड्स के डेविएशन के बाद तो आंसर दे देंगे। तो मेरे को ये स्टाइल चाहिए, कुछ भी बन जाएगा, 99% तो बन जाएगा, जब तक कि कुछ बहुत बेहतरीन कुछ प्लान ना कर ले। मैं बोलता कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, लोग एकदम डर गए थे, उसे कट ऑफ भी बहुत कम गया था 2019 में, ठीक है। तो पेपर से निकलने के बाद मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले को बहुत आसान था, आसान हो रही थी, क्या होता है, आप ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पेपर इलेक्ट्रिकल वाले देने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तब तो पूरे इंडिया के लिए टफ था, ऐसा तो है कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए टफ था, तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, तो कटा भी बहुत कम गया था। इसलिए भी था क्योंकि आईआईटी मद्रास वाले क्या किए, पूरा पेपर स्टार्ट कर दे मॉस्फेट से और एंड किए मॉस्फेट से। 2019 का आप पेपर देखोगे तो हर थोड़ी देर बाद एक मॉस्फेट का लगा हुआ फिगर देखेगा, तो मॉस्फेट तो डराने के लिए बहुत होते हैं क्योंकि मॉस्फेट लोग पढ़ते नहीं। तो हम तो बात कर ही रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सोच लो कि मॉस्फेट आपको आ गया, 24 घंटे हुआ है
24 घंटे हुआ कल से ही बढ़ रहे हैं। नहीं तो आप सोच रही है हॉस्पिटल चलोगे तो डरते, 2 ही दिन हुआ है बस, इससे तो बहुत दिन तक तो डायबिटीज चल रहा था। नहीं तो चलो आपके पास 2019 में एक क्वेश्चन डराने वाला जो दिए थे वो देता हूँ मैं आपको, गेट 2019 के क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, गेट 2019 आईटी मद्रास वाले जो डराने वाला जो क्वेश्चन दिए थे। क्या था आपके पास फिगर आराम से, क्योंकि बंद मतलब कॉपी में हो सकता ना आ पाए तो एकदम से बनाना मत, कम से कम 2 मिनट बाद स्टार्ट करना। एक करेंट था आपके पास, ये सप्लाई था VDD 1 mA का करेंट जा रहा बोले, उसके बाद बोले कि ये एक मॉस्फेट है इसको कनेक्ट कर दिए, ये बोले इसका W/L जो है वो 2 है ये, फिर बोले कि ये मॉस्फेट है जे W/L जो है वो 3, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। फिर इसको कैसा लेगा, इसको V1 से कनेक्ट किए, इसका W/L जो था वो 5 था, फिर बोले कि एक ये भी लो, ये W/L 10 था, इसमें एक बबल लगाए और ऐसा बना दिए ये। इधर भी मॉस्फेट ले लो बहुत सारे, ये V2 से कनेक्ट किए, पी मॉस है ऐसे कनेक्ट किया, इसका W/L जो था वो 10 था, इसका W/L जो था वो 5 था, मॉस्फेट का साइज देता मन नहीं भरन का, फिर एक और लगाए ये पी मॉस लगाए, बोले कि आई आउट करें यहां से फ्लो रहा होगा, ये VDD ले लो, इसका भी W/L ले लो, ये 40 है, एक दो तीन चार पांच छ सात, 7 मॉस्फेट है बस। फिर बोले कि क्या करो, V1 को ना आप 0 दे दो इस इनपुट वोल्टेज को, और VT2 को ना VDD दे दो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ऑल अदर रिलेवेंट जो पैरामीटर्स आर मेंशन इन द फिगर है, बोले बाकी सब फिगर में मेंशन है, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ चैनल एंड मॉड्यूलेशन, बोले चैनल एंड मॉड्यूलेशन को इग्नोर करो, तो लैम्डा 0 वैसे बनने वाला नहीं, तो बोले चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर को इग्नोर कर, और बॉडी इफेक्ट को भी इग्नोर मान, तो चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर अगर इग्नोर करने को बोले तो लैम्डा 0, तो आर नॉट कितना हो गया सबका इनफाइनाइट, तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। बोले क्या करो, सिर्फ आई आउट की वैल्यू बता दो मिली एम्पियर में, कि आई आउट की जो वैल्यू है मिली एम्पियर में कितना है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये, तो क्वेश्चन लोग जैसे देखे, तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये था कि लोगों को टाइम ही नहीं लगा, तुरंत 1 सेकंड के बाद ही नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, लोग टाइम वाइम लिया ही नहीं, तो होता है ना सोच रहे बनेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को कैसे लेते हो, सोचो कि आपके पास ये कोई बोला कि ये आपका एक प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नहीं एक प्रोजेक्ट, कल शाम को आना बहुत सारे लोगों की हेल्प वेल्प लेके और आई आउट की वैल्यू लेते हुए आना, तो प्रोजेक्ट है, करंट एक दिया 1 mA, अगर आप अपने आप को एकदम फोकस करोगे तो आई आउट होके निकल ही जाएगा, आई आउट ही निकल जाएगा। साइज ऑफ द मॉस्फेट दिया हुआ है, क्या दिया आपके पास साइज ऑफ द मॉस्फेट। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं सॉल्व करूं, मैं करूं सॉल्व, क्या आप सॉल्व करोगे, मैं आप ट्राई मारोगे कि मैं ट्राई मारू, मैं ट्राई मारो, चलो 2-3 मिनट ट्राई मार लो फिर मैं करता हूं। फिगर को बड़े ध्यान से बनाना, थोड़ा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करो,
टू थ्री मिनट सोचो कि जितना भी आपको क्या हिंट दूं थोड़ा बहुत कि नहीं देता हूं, नहीं देता हूं। जानी पहचानी वाली चीजें बहुत सारी, बस ध्यान से देखो। क्या टेक्निकल चीजों को ना जैसे थोड़े दिन होते ना तो आप भूल जाते हो, है ना? नहीं तो इंसान तो दो तीन चार ब्रेकअप के बाद भी दो तीन चार लोगों को याद रखता है एक साथ। यहां तो अपनी जिंदगी से रिलेटेड है, आपके पास तीन दिन हुआ भूल गया, दो दिन हुआ भूल गया, ऐसी सिचुएशन है। तो टू थ्री मिनट्स आपका बेस्ट एफर्ट आई आउट की वैल्यू बताने के लिए। जूम कर दो भाई फिगर को एकदम, दिखाओ मॉस्फेट बाहर निकल के खुद अपने बारे में बात करें। बनेगा बता रहा हूं, दो मिनट अपने 100% गुड देने की कोशिश करो। सोचो ना जो भी आप जानते हो उसका कंसेप्ट। हाँ सीएलएम जीरो भाई क्वेश्चन में गिवन था, चैनल एंड मॉड्यूलेशन नेग्लेक्टेड बोला था, चैनल एंड मॉड्यूलेशन पैरामीटर नेग्लेक्टेड बोला था। अरे करेंट मीटर सर्किट समान नहीं दिख रहा आपको? अरे करेंट मीटर सर्किट नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा पूछ रहा हूं? नहीं करेंट मीटर सर्किट दिख रहा है, करेंट मीटर सर्किट समान दिख रहा होगा बोल रहा हूं। आई आउट की वैल्यू पूछा है, पता आपके पास जो नीचे वाला जो फॉर्म है करेंट मीटर सर्किट, दिस इज द करेंट मीटर सर्किट। करेंट मीटर सर्किट में आपके पास रिजल्ट लिखा होगा, साइज साइज अगर आपके पास सेम होते तो फिर तो रिजल्ट ही आपके पास सेम आ जाता। ये करेंट मीटर सर्किट है, सीएमसी सर्किट है, यहां से आता ये, पता आपके पास ये दोनों का वीजीएस सेम होगा। अरे दोनों का वीजीएस सेम होगा ना तभी तो ड्रेन करंट की वैल्यू सेम होगी, ये वीजीएस के लिए सेम है।
इसका मतलब इस ड्रेन करंट की जो वैल्यू होती है, आईडी टू की वैल्यू आईडी वन के बराबर होती है, एन का मल्टीप्लाई होता है, एन जो होता है आपके पास रेशियो होता है बीजेटी में उसके एमिटर जंक्शन के एरिया का, यहां पर डब्ल्यू बाई एल टू वन और ये आईडी वन, आईडी वन की वैल्यू जो था आपके पास वो था 1 मिली एम्पियर, डब्ल्यू एल बाई थ्री था और इसका जो साइज था 2 था इंटू 1.5 मिली एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है। अगर ये दोनों का साइज सेम होता तो ये 1 मिली एम्पियर यहां फ्लो जाता। इसका मतलब है कि ये जो फिगर दिख रहा है आपके पास दिस वन ये फर्स्ट वन द सीएमसी सर्किट द करेंट मिरर सर्किट, तो अगर ऊपर का फिगर नहीं होता और ये करेंट कोई पूछता तो 1.5 यार डब्ल्यू बाई एल टू है इसका 3 है, ये आपके पास रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ द सीएमसी सर्किट। साइज ऑफ द मॉस्फेट भी डिपेंड करता है क्यों दोनों का ड्रेन करंट सेम होता है, वीजीएस के लिए सेम होती है दोनों का वीजीएस, ये तो सब कंसेप्ट है। तो ये आपके पास मॉस्फेट करंट मिरर सर्किट, द मॉस्फेट करंट मिरर सर्किट क्या वैल्यू लिखा था ड्रेन करंट की वैल्यू ड्रेन करंट के बराबर सर, अगर साइज ऑफ द मॉस्फेट सेम है तो साइज ऑफ द मॉस्फेट डिफरेंट है तो एन यार एन जो होता है रेशियो होता है किसका, उसके साइज ऑफ मॉस्फेट का डब्ल्यू बाई एल टू बाई डब्ल्यू बाई एल वन, कितना करंट फ्लो रहा है 1.5, ये बातें की जा सकती थी। दूसरी ये तो वैसे आ रहा ऊपर बहुत सारा बना हुआ आपके पास 1.5 आ रहा, V1 की वैल्यू जैसे जीरो दिए तो ये ऑफ हो गया, इसको तो चाहिए ना भाई वोल्टेज V1 जीरो दे दिए, अरे V1 जीरो दे दिए ना कितना भी थ्रेशोल्ड होगा थ्रेशोल्ड तो प्रैक्टिकल वैल्यूज होगी, जीरो दे दिए तो करंट कितना फ्लो है जीरो, तो यहां करंट कितना फ्लो है जीरो, अरे मॉस्फेट में तो करंट वैसे भी गेट करंट जीरो होता है ऑल करंट सर जीरो गया ये। इधर आपके पास देखो V2 की वैल्यू VDD दे रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 1.5 यहां आ रहा है तो ऊपर से जीरो आ रहा है इस साइड से, तो इस साइड से कितना आ रहा होगा 1.5, ये गेट करंट कितना होता है जीरो, गेट करंट ये जीरो, इसका मतलब है कि इस जगह से कितना आ रहा होगा आपके पास 1.5 ये। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक नीचे सीएमसी बना है और एक ऊपर सीएमसी बना है, ये देखो दो पीमॉस बने हुए हैं, इस दोनों का जो एसजी की वैल्यू जो होगी वो दोनों की सेम होगी और ये आपके पास देखो सैचुरेशन रीजन में है, तो ये जैसा है वैसा ये वाला है, ये जैसा और जैसा ये है ये दोनों वैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे इस जगह पे, ये इस जगह पे अगर देख रहे होंगे ये करंट कितना फ्लो होगा सर जीरो, क्यों अरे जीरो होता है सर, तो 1.5 मिली एम्पियर अगर ये है क्योंकि ये है ये सब जीरो करंट, तो यहां से कितना आ रहा होगा 1.5, तो सर ये कितना होगा सर ये भी आई आउट की वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर, बट सर साइज ऑफ द मॉस्फेट अलग अलग है तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, तो एन क्या है एन सर रेशियो डब्ल्यू बाई एल ये जो भी डिवाइड बाय डब्ल्यू बाई एल, ये आपके पास अगर 1 2 3 4 5 6 7 मान लो इसको, इसको आपके पास 6 मान लो ये, तो 1.5 है कितना है सेवंथ वाले का डब्ल्यू बाई एल 40 है, उसका कितना है 10 है, 4 का मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 6 मिली एम्पियर, तो 6 मिली एम्पियर आंसर था उस क्वेश्चन का, बताओ आपको तो उनको पता है आपके पास क्या कि स्टूडेंट से आपको तो बीटेक लेवल पे कोई ये सब पढ़ता नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बातें हैं या आप गधे हो या ये बहुत इंटेलिजेंट चीजें, बस ये है कि आप अलग हो ये अलग है, दो अलग अलग स्टोरी है, इसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। जितना आपको डर आपके टीचर को भी उतना ही डर होगा जो कॉलेज में पढ़ाता हो, जिंदगी में ना सॉल्व कर पाए ना देख पाए, कर पाएगा आपको लगता है एक मॉस्फेट के ऊपर बैठ जाएगा तो नहीं हो पाएगा कुछ, इतने सारे मॉस्फेट है। तो ये क्या किया आपके पास मस्त फिगर बना, नीचे एक सीएमसी था ऊपर एक सीएमसी था, देखो ध्यान से नहीं था गुड फिगर नहीं था, तो आप ऐसा तो किसी को डरा नहीं दो कैसे बना के, कहां से वो सोचेगा, और वो भी एग्जाम इस जगह पे जहां पे इंसान का कॉन्फिडेंस लगभग जीरो के अराउंड में होता है, नहीं टूवर्ड्स जीरो, थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ चीज अगर घूमना चालू हो जाए तो इंसान वैसे ही डर जाता है, इतने सारे मॉस्फेट को देखने के बाद तो कोई एक सेकेंड ना इस पर इन्वेस्ट करे। अभी देखो आपके पास कितने आराम से चीजें हुई करके, और कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं की जो हम जानते थे वही बातें हुई, बस ये कि स्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से आप जानते हो क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मॉस्फेट के अराउंड में बहुत घूमने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एंगेज कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, ये दिया था आपके पास। तो 6 मिली एम्पियर 5 को क्यों ऐड नहीं किया, अरे इसमें तो करेंट सेम हो गए यार, एक डब्ल्यू बाई एल कुछ भी हो
10W/L के आपके पास मॉस्फेट लगा दोगे सीरीज में तो करंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। W/L मतलब क्या है? हाँ? कोई टेलर है क्या? हम जाते जाते आज का लास्ट क्वेश्चन, इस साल 2022 का एक और क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है कि इसको आप सही बनाओगे, पता नहीं क्यों लगता है, मैं गलत भी साबित कर सकते हो। ये इसको हटाओ, ये तो बनाए थे ना अभी आप -2। तो 2022 का एक और क्वेश्चन देता हूं जाते जाते, एक बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो गेट 2022 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फिगर बहुत ध्यान से आप ड्रॉ करना, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन आप आंसर सही दो ना। क्या था फिगर? क्या लिखा था? इन द स्मॉल सिग्नल सर्किट द एनहांसमेंट मोड एन चैनल मॉस्फेट इज बायस्ड इन सैचुरेशन विद ट्रांसकंडक्टेंस जीएम। बोले कि सैचुरेशन रीजन में उसका ट्रांसकंडक्टेंस जीएम है, तो पहला तो ये सैचुरेशन रीजन में, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड इसका ट्रांसकंडक्टेंस जीएम, ये भी अच्छी बात है। इफ चैनल एंड मॉड्यूलेशन इज इग्नोर, लैम्डा की वैल्यू 0, ठीक है। स्मॉल सिग्नल इंपेडेंस चाहिए लुकिंग इनटू द नोड पी, यहां से इंपेडेंस चाहिए, रेजिस्टेंस ये आर सीन फ्रॉम पी, पी नोट से आपके पास रेजिस्टेंस कितना सीन हो रहा वो हमको चाहिए। ऑप्शन क्या क्या था? ए ऑप्शन था आरएस प्लस आरएल पैरेलल विथ 1/GM, सेकंड ऑप्शन था आरएस पैरेलल विथ 1/GM, इनवर्स लिखा था जीएम की जगह, 1/GM मतलब जीएम इनवर्स। थर्ड ऑप्शन था आर एस पैरेलल विथ आर एल पैरेलल विथ 1/GM, जीएम इनवर्स, तो 1/GM। फोर्थ ऑप्शन था आर एल जीएम अपॉन 1+ आर एस जीएम इन ब्रैकेट आर एल पैरेलल विथ 1/GM, ऐसा आपके पास ये। आपको क्लियर है कि जब मैं बोलता हूं ना ये कि एक एन चैनल मॉस्फेट है, दिस वन, कैसा बना दिया सपोज करो ये, तो हमेशा तीन टर्मिनल बनाते हैं, एक ड्रेन है, एक सोर्स है और एक गेट। फोर्थ आपके पास अभी तक हम बनाए नहीं, आज बनाने का प्लान था, बनाए नहीं। ये आपके पास जो होता है ये बॉडी बी, जिसको आप सबस्ट्रेट भी बोलते हैं,
तो मॉस्फेट जो होता है फोर टर्मिनल डिवाइस होता है आपके पास। अब हम बोलते हैं कि बॉडी इफेक्ट जो बार बार बोला जाता है आपके पास कि अगर बॉडी अगर इस सोर्स से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर बॉडी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एन चैनल आपके पास मॉस्फेट का फिगर बना हुआ है, दिस वन, ये ऐसा दिख रहा है आपके पास, या फिर मैं आउटपुट इस साइड भी ले सकता हूं तो क्लियर है आपको, ऐसा लगे कि ये पीमॉस दिया वो करके, वो एन चैनल मॉस्फेट का बॉडी का आपके पास फिगर बना हुआ, ये फोर टर्मिनल है, ये आपके पास बैक गेट के समान वर्क करता है, एक और एक्स्ट्रा टर्मिनल हो गया द बैक गेट। तो हम बॉडी के बारे में तो बात अभी तक किए नहीं, फिर बॉडी इफेक्ट के बारे में बात करूंगा, बॉडी थोड़ी सी बातें करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि एम्पलीफायर ही पड़ रहा है। तो ये आपके पास एक एनमॉस ट्रांजिस्टर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, एनमॉस। तो जब आप सिंपल एक एनमॉस की बात करते हो, दिस वन, ये आपके पास बॉडी, ये ड्रेन, ये गेट और ये सोर्स, ये एनमॉस। पीमॉस के बारे में अगर मेरे को बात करना है, जी बॉडी सोर्स ड्रेन दिस द गेट, जी पीमॉस। तो फोर टर्मिनल डिवाइस, हम तो थ्री टर्मिनल की बात करते हैं, बॉडी की बात तो हम लोग किए नहीं। तो बोला जाता है आपके एक दो जगह भी आप देख भी रहे थे, कल बात भी करूंगा कि जब सबस्ट्रेट या बॉडी सोर्स से कनेक्टेड होता है तो फिर सोर्स टू बॉडी का वोल्टेज नहीं होता और उसके कारण उसका खुद का ट्रांसकंडक्टेंस, तो बहुत सारी कुछ कुछ बातें हो सकती है जो आज तक अभी यूज नहीं हुआ एम्पलीफायर में, आज तक आज की डेट तक, ठीक है, मैं लूंगा लेकिन कल। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जैसे आपको क्लियर है कि जो फिगर बना हुआ आपके पास, इसका मीनिंग क्या है, ये आपके पास है बॉडी और ये सोर्स से कनेक्टेड, इसका मतलब ये है, अभी तो आप जानते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि सोर्स टू जो बॉडी वोल्टेज है वो जीरो होगा, इसका मतलब है कि बॉडी इफेक्ट जो होगा या बॉडी आपके पास जो पैरामीटर्स होगा वो नेग्लेक्टेड होगा। बॉडी पैरामीटर जैसे यहां पे लैम्डा बोलते थे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को, उसको गामा बोलूंगा और गामा की वैल्यू जीरो, इसका रिजल्ट क्या होगा बात करेंगे, ठीक है, अभी तक तो एग्जाम में भी यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इफेक्ट नहीं है, सोर्स और बॉडी एक साथ कनेक्टेड है तो फिर वीएस भी जीरो है, तो फिर बॉडी इफेक्ट पैरामीटर होता ही नहीं, जो बार बार लिखा रहता है इग्नोर द बॉडी इफेक्ट, इग्नोर द बॉडी इफेक्ट। तो कभी भी मॉस्फेट एम्पलीफायर में इंडिया के किसी भी एग्जाम में बॉडी इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया आज तक, करेंगे तो क्या होगा वो बात में करूंगा, वो एक्स्ट्रा बातें होगी जो मैं कल करूंगा जो आने वाले फ्यूचर में यूज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस फिगर का मतलब किसका, सोर्स और बॉडी एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपको लगता था कि सर फिगर में क्या हो गया करके, ठीक, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है ना कि हर चीज कैसे पता चल जाएगा, 48 घंटे ही हुआ है। तो एस और बी दोनों कनेक्टेड है, ये जो फिगर है आपके पास एक एन मॉस ट्रांजिस्टर का फिगर, जैसे इसलिए बोला आप इसको देख के ना बोले कि पी मॉस सर अंदर चला गया, ये बॉडी वाला है, ठीक है, ये एन मॉस ट्रांजिस्टर। अब उनके लिए क्या होता है, रूटीन लाइफ है उनके लिए, जैसे आप होता ना आपके पास डेली आप ब्रेकफास्ट और ये सब करते, वैसे उनके लिए जिंदगी है, तो उनको नहीं पता था कि हम लोगों की लाइफ बहुत अलग टाइप की लाइफ है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके, तो लोग अलग अलग आईडी के प्रोफेसर अपने अलग अलग कभी कभी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे मेरे को पता है कि ये वीजीएस होगा, दिस द वीजीएस, ये यहां से जो करेंट होगा सोर्स टू बॉडी कनेक्ट कर दिए, यहां से वैल्यू कितना होगा जीएम वीजीएस, ये यहां पे पी साइड में एक वोल्टेज ले लो वीडीसी, यहां से करेंट कितना फ्लो करा दो आईडीसी, ये उनका रेस सूची है। पूछने वाली चीजें ज्यादा टफ नहीं पूछे, सिंपल ही पूछे कि यहां से यार रेजिस्टेंस बताओ आप, ये सिंबॉलिक नोटेशन जो है आपके पास, मैं बोला भी था उस दिन जैसे ने स्टार्ट किया था कि वैरायटी ऑफ सिंबॉलिक नोटेशंस होते करके, उसमें मैं बॉडी नहीं बनाया था अभी तक, बॉडी बना हुआ है इसमें बस। अब जीएम वीजीएस आपके पास अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये जीएम वीजीएस आ रहा है, जब कल देखोगे ना तो मैं जीएम वीजीएस के साथ साथ एक जीएमबी भी लूंगा, बॉडी का ट्रांसकंडक्टेंस भी लूंगा जो आने वाले समय में यूज होगा, आज तक नहीं हुआ। तो जीएम वीजीएस से आपके पास ये करंट है जितना हम जानते वही, अभी तो ये एक्स्ट्रा फिगर में जो था वो क्या था वो बताया बस, इसके कारण ही बॉडी इफेक्ट नहीं होता। जब कैसा फिगर इसके पहले देखे नहीं देखे, एज्यूम कर लिया जाता है कि सोर्स और बॉडी कनेक्टेड है, वो आपको दिखा नहीं रहे करके। कभी कोई फोर टर्मिनल दिखाया इसके पहले किसी भी फिगर में देख लो, नहीं दिखा है, तो एक आधी जगह पे से दिखा भी सकते। मैं बोल रहा हूं कि देखो वीजीएस की वैल्यू, वीजीएस की वैल्यू क्या होगा, गेट ग्राउंडेड है, वीजीएस की वैल्यू तो वीजी की वैल्यू जीरो, सोर्स की वैल्यू क्या है वीडीसी, तो वीजीएस की वैल्यू क्या हो गया माइनस वीडीसी। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम। इसके बाद तो आप नोड लगा लिए होंगे इस जगह पे, वीडीसी पे नोड लगा लिए होंगे, कितना होगा वीडीसी पे नोड लगाए होंगे, तो वीडीसी बाई आरएस और माइनस आईडीसी और
माइनस जीएम वीजीएस इज इक्वल टू जीरो बाय तीन ही ब्रांच करंट। आईडीसी उधर चला गया, वीडीसी के साथ कितना आ गया, वन बाई आरएस आ गया, और वीजीसी की वैल्यू माइनस वीडीएस है तो जीएम आ गया। ये तो आंसर ही आ गया वीडीसी अपन आईडीसी। तो वीडीसी अपन आईडीसी का आंसर कितना आ रहा है, वीडीसी अपन आईडीसी का आंसर ये आपके पास आरएस पैरेलल विद वन बाय जीएम है आ रहा है इतना, तो आरएस पैरेलल विद वन बाय जीएम आ रहा है। ये इसको सॉल्व कर लो आरएस जीएम, तो आरएस अपन आरएस जीएम ये जैसे सॉल्व होगा उसको उधर ले जा लो। तो आंसर क्या आ गया, बी, बी आंसर था इस क्वेश्चन का। बाकी सब लोड वगैरह लगा हुआ था तो बी आंसर कुछ लोग लिख भी रहे थे तो बी आंसर। बस ये आपके पास कैन चैनल एक मॉस्फेट है, बॉडी आप जानते नहीं, बॉडी का आपके पास ये एरो जो दिया हुआ, आपके पास वीएसबी की वैल्यू जीरो थी, सोर्स ऑफ बॉडी कनेक्टेड था आपके पास। तो संडे तक आपके पास बीजेटी और मॉस्फेट एम्पलीफायर के बारे में आपके पास इतना आइडिया रहेगा कि जब आप एडीसी में भी जब आप अपना सीमॉस पढ़ोगे तो बड़ा डोमिनेटिंग वे में पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पावरफुल चीजें होगी पहले से इन जनरल। और मैं ट्राई कर रहा हूं आपके पास कि मॉस पे पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए एडीसी की जहां कुछ कुछ बातें हो सकती हो कर लूं। ओवरऑल तो मॉस्फेट आपको जानना ही है, इनडेप्थ नहीं जाने की कोशिश है मेरी मैक्सिमम की उस साइड में ना जाऊं, अपनी बॉर्डर क्रॉस ना करूं। सबको इतना क्लियर हुआ कि कैसे चीजों को हम देख पा रहे हैं। अब कल मैं बॉडी वाले पार्ट को भी लूंगा, अभी तक मैं कॉमन ड्रेन की बात नहीं की, आज तो मैं लोड की बात करते रहा, तो कल मैं कॉमन ड्रेन की बात भी करूंगा, कल मैं कॉमन एमिटर विद आरई की बात करूंगा, और इवन ट्राई करूंगा कि कॉमन कलेक्टर की बात भी हो जाए। बट चीजें इसके अराउंड में घूमते रहते हैं आपके पास, उनको उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मॉस्फेट के बारे में आप गुड आइडिया रखते हो कि नहीं। तो मेरे को चाहिए रैंडम फिगर, चाहो तो मैं हर एम्पलीफायर के रिजल्ट देता हूं कि ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज किया। गुड वे में क्लियर सभी को, ठीक है। तो कल जब आप आओगे तो मैं चाहूंगा कि कल जब आप आओ तो आधा एक घंटा देख के, आधा घंटा नहीं मतलब उससे ज्यादा एक घंटा तो देख के जितनी भी चीजें हम पढ़े, क्योंकि हमारे पास चीजें जमा होते जा रही है। और यकीन मानिए कि ये बहुत ही कम लोगों को अच्छे से आता है, बहुत ही कम लोगों को इंक्लूडिंग टीचर, टीचर में भी कोई 8-10 साल से पढ़ा रहा होगा तो उतना चेंज जानता होगा, कोई बहुत बेहतरीन कोई होगा वर्षों से सब चीजों को हैंडल कर रहा होगा तो वो अच्छा जानता होगा। तो ये चीजें इसलिए भी है क्योंकि ये डिफरेंस आप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि यही चीजें आज के डेट में जो सबसे ज्यादा 2-3-4 सालों में डराने का काम किया है कि स्टूडेंट को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को, इलेक्ट्रिकल वालों को ये सब नहीं करते इसलिए उनको मैं इग्नोर कर दिया। ये जो क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन का था इस साल का, ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, इलेक्ट्रिकल वालों को ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अति हो जाएगा ना, ठीक है। तो उनको बेसिक से पूछने की कोशिश करते, लेकिन हमको बहुत बेहतरीन टाइप से आना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा अच्छा एक फिगर था, इसका मैं आपको बुकलेट भी बहुत सारा बुकलेट जब इसका मैं अलग से डीपीपी दूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ गुड क्वेश्चन का कलेक्शन जहां पे आप अप्लाई कर सकूं। इतना आपको बस आना चाहिए कि वो कुछ भी पूछने की कोशिश करे, आपका कंफर्ट ब्रेक ना हो सके, और अगर आपका कंफर्ट ब्रेक हो गया तो फिर वो 5 से ज्यादा लोगों को नहीं बनना चाहिए इंडिया में, सर मैं क्या बोल रहा हूं, ये वास्तव सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से अभी ट्राई कर रहा हूं इस बार, क्योंकि अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं, कल की क्लास खत्म होने से अभी की क्लास तक में मैं 100 पेजेस लिख चुका हूं, भले से आपको 3 ही घंटे पढ़ा है लेकिन मैं 100 पेजेस लिख चुका हूं, 100 पेजेस लगभग। कल भी रात को 3 बजे ऑफिस से गया था घर, उसके सुबह से भी मैं यही पे था, ऑफिस में ही था, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। मैं पर आप लोग पता नहीं कितना मजा कर रहे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर बैचलर होता 2-3-4 लोगों को प्रपोज मार देता तो बहुत हैप्पी हूं एक्चुअली, समझ। तो बहुत मजा आ रहा, बैठा हुआ था कल भी 2-3 बजे तक, क्योंकि बहुत सारी बुक एमटेक वालों की जो बुक है उनको मैं देख रहा हूँ, आईडी के प्रोफेसर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या क्या पूछते और कितना इन डेप्थ तक जा रहे हैं। तो कुछ कुछ मेरे पास बहुत बेहतरीन बुक है, तो सिर्फ मॉस्फेट की बुक है, सिर्फ मॉस्फेट की बुक जिसमें नेक्स्ट लेवल बात की गई, हो सकता है अगले 20 साल तक बात कर सके, तो उसको मैं पढ़ रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब एज हो गई तो अब समझ भी आती है चीजें, कम समय में चीजें कनेक्ट होती है, तो मेरे को पूरी चीजों को ना कनेक्ट करना पड़ता है। पहले मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ 10-12 घंटे 14 घंटे तक, फिर उसको कंक्लूड करने में मेरे को बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को पता है इसका कोई आपको एडवांटेज नहीं है, मेरे को कितना आता है आपको क्या लेना देना, कि मेरे को बहुत आता है ऐसे हवा में, आपको क्या करना है इससे, आपकी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास कितना आता है, ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मेरे को अपने पास लाने में टाइम नहीं लगता, आपको देने में जो टाइम लगता है ना उसके लिए 3-4 गुना ज्यादा मेरे को एफर्ट लगाना पड़ता है,
क्योंकि मैं आपसे कुछ भी कुछ बात करूंगा तो आप सिर्फ देखते रहोगे मेरे को, सर आप बनाओ सर मस्त लग रहा है, तो मेरे लिए वही है। और मैं चाहता हूं कि आपका पहले तो डर खत्म हो, इसलिए मैं बहुत इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है कि कब बॉडी फिट की बात करना है, कब नहीं करना है, कितने लेवल तक करना है, कितना नहीं करना है, तो ये सब कंस्ट्रेंट है मेरे पास। तो जस्ट आपको क्लियर है, ठीक है? तो चलो कल मिलते हैं अपन। तो आज क्या वेडनेसडे हो गया ना, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चार दिन और है। चार दिन के बाद आप फील करोगे कि बीजेटी मॉस्फेट एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर होता है, ठीक है? आप खुद एम्पलीफाई होता हुआ फील करोगे, ठीक है? चलो ओके। अब वो मस्ती कर रहा था अभी जो बोला प्रपोज मार देते, मस्ती कर रहा था। ओके थैंक यू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो फुल एंजॉयमेंट आप सभी लोग किए होंगे, आई होप कि आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और थैंक यू वेरी मच जितने लोग भी मैसेज किए अलग अलग, थैंक यू उसके लिए। तो चलो कल मिले फिर अपन, तो फिर से मेरे को स्टडी करना है, कुछ बातें कनेक्ट करना है, तो कल मिलता हूं फिर मैं आप लोगों को इवनिंग में 5:30 कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है? चलो।